नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर ज्योग्राफी की इस क्लास में, भूगोल की इस क्लास में। आज दूसरा क्लास है और हम UPPCS 2021 के लिए फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं। ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो आपकी जड़ों को जितना मजबूत कर रहा है, फैक्ट बेसिस पे आपके प्रारंभिक परीक्षा और मेंस में भी जितना ज़्यादा हेल्प हो सकता है। पूरी टीम की पूरी कोशिश रहती है आपको जीरो से बहुत ही हाई लेवल तक बहुत ही अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट के साथ, फैक्ट के साथ एक बहुत ही अच्छा मिश्रण दिया जाए जो आपकी सफलता का मार्ग बहुत ही अच्छी तरीके से प्रशस्त करे। इसी कड़ी में अभी आज दूसरी क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं जो पृथ्वी है उसका भूगर्भिक इतिहास। हमने पहली कक्षा में देखा था कि कैसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अलग अलग जो भूगोल वेत्ता थे, ज्योग्राफर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरी क्या दी, उनकी थ्योरी कितनी सही थी, कहाँ पे उनकी थ्योरी गलत थी, उसके नोट्स भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिए और उस पर बहुत सारे बच्चों ने आंसर राइटिंग करके कुछ 30 वर्ड में, कुछ 50 वर्ड में NCERT के पेज पे बहुत अच्छे से करके दिखाया भी, जो टीम को भी बहुत अच्छा लगा और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस जग रहा है। ये बात आप समझ रहे होंगे जैसे जैसे आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स एक टीम आपके लिए लेके आई है। तो जो बच्चे अभी भी चाहते हैं कि UPPCS फाउंडेशन कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एक धार देना चाहते हैं, एक जो अपना सपना है पूरा करना चाहते हैं, अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू है। 4-5 क्लास हुई है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अभी कर सकते हो। सारे नोट्स, सारे क्लासेस बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपकी कराई जाएगी ऐप पे, सब कुछ बहुत विधिवत तरीके से। चलिए अभी क्लास की स्टार्ट करते हैं। क्लास 2 यानी कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। हमने पहली क्लास में जब देखा कि हमारी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जो फाइनल थ्योरी रही यानी कि बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत जो था लेमेटियर महोदय के द्वारा जो दी गई, वो सबसे ज़्यादा मानी गई, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी थी। और उसमें हमें पता चला कि 13.7 बिलियन वर्ष पहले जब एक सिंगुलरिटी से, एक विलक्षणता से, एक छोटी पॉइंट मास से जब हमारा पूरा ब्रह्मांड निकला, फैला एनर्जी के रूप में, टाइम के रूप में, स्पेस के रूप में, और जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ चीजें समय के हिसाब से बनती चली गई, गैलेक्सीज बने, स्टार्स बने, स्टार्स का सुपरनोवा फेज आया और फिर हमारे ग्रह बने जिसमें हमारी पृथ्वी है, सौरमंडल जिसमें हमारे 8 ग्रह और साथ में पृथ्वी है। तो अभी सौरमंडल की तो बात ज्यादा नहीं करेंगे, वो हमारा एस्ट्रो फिजिक्स की बात हो जाएगी जो आपका UPSC का सिलेबस हो जाता है। UPPCS में ना ही प्री में बहुत ज़्यादा पूछता है और मेंस के टॉपिक का हम हल्का सा आपको कवर करा देंगे, लेकिन अभी हम वही लेके चल रहे हैं जो एक कड़ी आपको बनाते चले जाए, सीरीज बनाते चले जाए और कॉन्सेप्ट बनता चला जाए। तो ऐसा आप समझना है कि 13.7 बिलियन वर्ष पहले एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ एक सिंगुलरिटी से, विलक्षणता से, और हमारा ब्रह्मांड बना, उसी ब्रह्मांड में गैलेक्सी बनी, उसी गैलेक्सी में ऐसे अनेकों असंख्यों गैलेक्सियां हैं, हमारी जो गैलेक्सी मिल्की वे, उसमें हमारा सोलर सिस्टम, सौरमंडल और उसमें हमारी पृथ्वी। और आज पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे कि जैसे ही पृथ्वी आज है, जो पर्वत आप देख रहे हो, जो पहाड़ देख रहे हो, माउंटेन्स देख रहे हो, रिवर्स देख रहे हो, ओशंस देख रहे हो, सागर, महासागर, इतने सारे फिजिकल फीचर्स आप देखते हो अपने इर्द गिर्द, पेड़, पर्वत, नदियां, ये सब कैसे बने, क्या जैसा आज आपको दिखता है क्या ऐसे हमेशा था, और अगर ऐसा नहीं था तो कैसे बना, कैसे एक जलते हुए आग के गोले से कैसे पत्थर, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पत्थर मिलके एक बड़ा पत्थर बना, बड़ा पत्थर आग का गोला बना, आग का गोला पिघला और फिर आज ये हमारा रूप बना। तो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं, कई बार पूछा भी गया है, कई बार हमेशा जैसे चट्टान पूछ लेता है कि किस युग की चट्टाने हैं। तो बेसिक कंसर्न अगर मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट, तो इस पूरे हम इतिहास में पृथ्वी के बनने के हम देखेंगे, रॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि किस काल में, किस कौन सा काल हुआ, कौन सा युग हुआ, कौन सा पीरियड हुआ, उस पर्टिकुलर पीरियड में, उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ऐसी कौन सी घटना हुई जो आपके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और भूगोल पढ़ने के एक जो सबसे बड़ा मकसद है कि हम इंसान हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें पढ़ना चाहिए, इन सबका एक जो सीधा साधा एग्जाम्पल
एग्जाम्पल देता है वो आज की क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो आते हैं, जैसे कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास यानी कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो हमने देखा कि बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद सुपरनोवा के कारण बहुत सारे जो धूल के कण आए। सुपरनोवा, मैं बता दूं छोटा सा कि सुपरनोवा क्या होता है, कि जो हमारे स्टार्स होते हैं जब वो पुराने हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, जब वो डाई स्टेज में आ जाते हैं तो एकदम फट जाते हैं तो वो फिर से छोटे छोटे धूल के कण में बिखर जाते हैं। और यही धूल का कण जाके गैलेक्सीज के फॉर्म में जब जाके गैलेक्सी से टकराया तो वो फिर कुछ ग्रेविटी के कारण आपस में संघनन हुआ, है ना। आपने नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ा होगा, मैं उस समय बताया था कि नेबुलर हाइपोथेसिस सबसे ज्यादा सर्वमान्य था। तो वही सुपरनोवा के कारण फिर से उसी हाइपोथेसिस को अगर हम बात करें तो कंडेंसेशन हुआ, ग्रेविटी के कारण पास में आया और फिर एक बड़ा सा प्लैनेटेसिमल बना और ऐसे ऐसे करके सारे ग्रह बने, हमारा सौरमंडल बना और उसी सौरमंडल में हमारी पृथ्वी बनी। अब ये जो आप अगर इस फिगर की बात करो तो ये जो आपका फिगर है ये तो मैंने आपको बस ऐसे कर दिया है कि ये आपका कुछ ऐसे सीढ़ी की तरह, अगर आप देखो तो ये आप सीखोगे एक स्पाइरल सीढ़ी की तरह कि जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे 3.9 बिलियन वर्ष पहले क्या था, फिर आप देखोगे कि 2 बिलियन वर्ष पहले ना तो ऑक्सीजन था, फिर प्री कैम्बियन युग आएगा, पैलोजॉइक एरा आएगा, जुरासिक में हमारे जो डायनासोर्स आए, क्रिटेशियस युग देखेंगे, टर्सरी पीरियड में क्या हुआ और कैसे हमारा गोंडवाना लैंड बना, कैसे हमारा रोडिना बना, इन सारी चीजों के सेडिमेंट्री रॉक्स कहां से आए, इग्नियस रॉक्स कहां से आए, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले जीवन कहां पे आया, कब हमारे मैमल्स आए, कब हमारे ह्यूमन आए, इन सारी चीजों को हम इस स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से मैं आपकी पहली क्लास एंड किया था। तो पहली क्लास में मैं ये बोला था कि आपकी जो बिग बैंग थ्योरी थी महाविस्फोट सिद्धांत के कारण अल्टीमेटली हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, गैलेक्सी बने, सोलर सिस्टम बना, पृथ्वी बनी। अब वहां से हम आगे देखेंगे कि जब 4.6 बिलियन वर्ष पहले यानी कि 4600 मिलियन वर्ष पहले की बात करें, मैं इसे जूम करके आपको दिखा दूंगा ना दिख रहा हूं, है ना, 4600 वर्ष पहले जब हमारी पृथ्वी सबसे पहली बार मानी जाती है कि ये बने थे, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से देखा गया, रेडियो एक्टिविटी से देखा गया, बहुत सारी थेरी से हमें पता लगा, कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया, पत्थरों की जो हमारे होते हैं स्टडी होते हैं पैलियो जियोमैग्नेटिज्म उससे जब पता लगाया गया तो हमारी पृथ्वी की जो उम्र है 4.6 बिलियन वर्ष बताई जाती है। अब 4.6 बिलियन यानी कि 4600 मिलियन ईयर एगो को हम कई बार MEA से लिखेंगे या कई बार MA से भी लिख देंगे, तो इस बात को आगे आप समझते चलेगा जैसे जैसे मैं यूज करता चला जाऊंगा। मिलियन वर्ष पहले, मिलियन ईयर एगो, MEA या MYA कुछ भी यूज होता है, बहुत सारे लोग अपने अपने यूज करते हैं, MA सबसे ज्यादा यूज होगा, तो आप इस बात को समझिएगा मिलियन ईयर एगो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 4600 मिलियन ईयर एगो, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, इस बात को समझिएगा, है ना, और 1 लाख में कितने जीरो होते हैं तो आपको पता ही होगा। तापमान जो उस समय पृथ्वी का था वो 2000 डिग्री फॉरेनहाइट था। अब सोचिए इतना ज्यादा तापमान क्यों हुआ था, ये मैंने पहले भी बताया था पहले क्लास में कि जैसे जैसे कण आपस में टकराते गए उनमें फ्रिक्शन होता गया, उनकी डेंसिटी बढ़ती गई, उनकी जैसे जैसे साइज कम होती गई प्रेशर बढ़ता गया, डेंसिटी बढ़ती गई और किसी चीज की डेंसिटी बढ़ेगी वो संघनन होगा, उसमें उसकी साइज छोटी होगी तो उसमें अल्टीमेटली फ्रिक्शन, बहुत सारे ऐसे काज होते हैं जिनके कारण हीट डेवलप होता है। तो तापमान उस समय 2000 डिग्री फॉरेनहाइट, इतना तापमान कि अगर लोहे को भी डाल दिया जाए तो सेकंडों में भाप बन के उड़ जाए। आप बात समझ रहे कितनी गर्म पृथ्वी थी, ना तो कोई वायु थी, कोई वायु नहीं थी, था तो कार्बन डाइऑक्साइड, था तो मीथेन, था तो नाइट्रोजन। अच्छा ये 4600 बिलियन ईयर एगो, अगर आपको थोड़ा बता दूं मैं पहले भी कि जैसे मैंने बोला था कि जब हमारे बिग बैंग हुआ तो मेन जो एलिमेंट हुए हाइड्रोजन और हीलियम हुए, जो ही हमारा क्या हुआ सूर्य जिससे बना हाइड्रोजन और हीलियम से, पृथ्वी भी उन्हीं हाइड्रोजन हीलियम बेसिक एलिमेंट था, लेकिन सोलर विंड के चलते, सोलर विंड में यहां पे आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा सोलर विंड क्या होगा। जैसे सपोज करिए कि ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ से बहुत तेजी से, बहुत बहुत तेजी से रेडिएशन निकलती है, एकदम तूफान की तरह बहुत गर्म हवा, और इसके कारण इसके रास्ते में पड़ने वाली सारी चीज को वो एकदम बहा देती है। तो हमारे जो आठ प्लैनेट हुए है ना, ये इन्हीं में भी कुछ
ऐसा था कि सब में तो हाइड्रोजन हीलियम था ही, लेकिन इस सोलर विंड के कारण इनका जो एटमॉस्फेयर था वो उड़ गया। तो आप पढ़े होंगे सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में, कि चार हमारे जो ग्रह हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं और बाकी चार जो जोवियल हैं। टेरेस्ट्रियल का जो अपना एटमॉस्फेयर, बाकी तीन के तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य के इतना पास थे कि इनके एटमॉस्फेयर को वो उड़ा दिया। तो शुरू में पृथ्वी के साथ भी वही हुआ, उसका जो हाइड्रोजन हीलियम का एटमॉस्फेयर था वो सोलर विंड के कारण क्या हुआ, उड़ गया, ठीक है ना। और सोलर विंड के कारण जब उड़ा तो उसके बाद जो हमारी पृथ्वी हुई, क्योंकि पृथ्वी इतनी गर्म थी, अब पृथ्वी गर्म थी तो गर्म है, नीचे पूरा रॉक है, चट्टान है, क्योंकि अल्टीमेटली बने तो पत्थरों से ही है ना, बने तो चट्टानों से है पृथ्वी। और उन्हीं चट्टान जो नीचे एकदम दबी हुई, एकदम जल रही है, गल रही है, और उसमें से गैस निकल रही है, वो गैस CO2, नाइट्रोजन और जल वाष्प, ये सब थे, मीथेन वगैरह थे, ठीक है ना। अब समझिएगा कि उस समय अगर हम 4600 बिलियन वर्ष पहले की बात करें, तो उस समय अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी हमारा एक समुद्र की तरह, किसके समुद्र, मैग्मा, जलते हुए लावा के समुद्र की तरह प्रतीत होता था। मैं अगर इसे बहुत अच्छे से फुल स्क्रीन पे आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो कि ये, और उस समय ऐसा था कि समझिए इतना पास हमारा चंद्रमा था, चंद्रमा के भी फॉर्मेशन की बात हम करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से बात करेंगे। इतना पास हमारा चंद्रमा था, सूर्य की भी दूरी बहुत कम थी क्योंकि पृथ्वी उसी से बना हुआ था, कहीं ना कहीं उसी के पास से बना हुआ था। हमारा इतना ज्यादा हीट था, अब ये पूरा जलता हुआ मैग्मा समुद्र की तरह दिखाई देता था। अगर हम आगे बढ़े तो फॉर्मेशन ऑफ मून की जैसे हम बात किया, कैसे कि चंद्रमा का बना, पृथ्वी तो समझ में आ गया पृथ्वी कैसा बना, चंद्रमा कैसे बना, चंद्रमा के भी बनने का प्रोसेस यही है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि क्या हुआ, जब पृथ्वी ने अपना ये स्ट्रक्चर देख लिया, या आप अगर इमेज को जूम करूं तो आप देख पा रहे हो कि एक गोल जलता हुआ गोला की तरह जो आपको दिख रहा है, फायर बॉल जिसे बोल सकते हैं, उसी समय एक बड़ा सा प्लेनेटेसिमल, एक बड़ा सा ग्रह की तरह पृथ्वी की तरफ अप्रोच करता हुआ आया और इससे जाके टकरा गया। टकराने से इतना भीषण धूल उठा, इतना भीषण वो टकराहट थी कि ये जो हो गया, इस छोटा सा प्लेनेटेसिमल पृथ्वी के रिस्पेक्ट में छोटा जो था, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, बिखर गया धूल में और छोटे छोटे कणों में, पत्थरों में। आप इसे देख सकते हो, वो जो प्लेनेटेसिमल था उसका नाम था क्या, थिया। तो आप इसे यहां पे फैक्ट के तौर पे भी ध्यान में रख सकते हो कि थिया नाम का, थिया आप ऐसे लिख सकते हो, थिया नाम का एक छोटा सा प्लेनेटेसिमल पृथ्वी के आकार से छोटा, छोटा मतलब यानी कि गेंद, वो बहुत बड़ा था, है ना, हम इसे पृथ्वी के आकार में कंपैरिजन कर रहे हैं तो छोटा बोल रहे हैं, उससे टकराया। और टकराने के बाद उसके जो धूल के कण, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, डेब्रिस में टूट गए, और वो समय के साथ साथ ही इतना बिखरे कि सूर्य के, सॉरी पृथ्वी के चारों तरफ ये बिखर गए, और इसके ग्रेविटेशन के चलते एक रिंग सा फॉर्मेशन हुआ इसके चारों तरफ, एक रिंग सा फॉर्मेशन हुआ। और इसी रिंग के चलते, आप समझिएगा, इसी रिंग के चलते यहां पे ऐसे, ये जो आप बगल के फिगर में देख पाओगे, ये एकदम रिंग की तरह उसकी तरफ घूमने लगा, और फिर से नेबुलर हाइपोथेसिस की तरह ही वो कंडेंसेशन हुआ छोटे छोटे डेब्रिस का, छोटे छोटे टुकड़ों का, और वो अंततः जाके हमारा क्या बना, हमारा उपग्रह यानी कि चंद्रमा बना। तो चंद्रमा का भी फॉर्मेशन सिमिलर जैसे पृथ्वी और इनकी तरह है, ऐसे चंद्रमा भी है पृथ्वी की तरह ही लमसम बना हुआ है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति में बोलते हैं कि सुपरनोवा के डस्ट और पार्टिकल पहले से ही मौजूद थे, वो ग्रेविटी के कारण आपस में अट्रैक्ट हुए, धीरे धीरे अट्रैक्ट होते बड़ा साइज बढ़ता चला गया, उनमें ग्रेविटी है, ग्रेविटी डेंसिटी हुई, डेंसिटी के कारण प्रेशर बढ़ा, प्रेशर के कारण फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के कारण उसमें हीट। लेकिन चंद्रमा में, क्योंकि ये भी एक स्ट्रक्चर, रॉक स्ट्रक्चर हो चुका था, और ये एक एस्टेरॉयड की तरह ही मान सकते हैं, टकराया छोटे छोटे टुकड़ों में बना, और उसके रिंग की तरह घूमने लगा, और फिर वो छोटा सा संघनन होकर चंद्रमा बन गया। तो ये बेसिक जो थ्योरी है चंद्रमा के फॉर्मेशन की है। लेकिन इस समय जब चंद्रमा बना था तो ये चंद्रमा पृथ्वी से बहुत ही नजदीक था, बहुत ही नजदीक होने का कारण भी यही है क्योंकि बना तो उसी डब्बे से, कोई चीज आया, एक बॉडी है दूसरे बॉडी से आकर टकराई, तो जब उसके टुकड़े होंगे तो रहेंगे तो इसके इर्द गिर्द आसपास ही तो रहेंगे, और आसपास ही ये रिंग, इसको अच्छे से देखिए, आसपास ही ये रिंग रही तो आसपास ही इसका संघनन होगा, तो चंद्रमा इसकी दूरी बहुत ही कम थी, है ना। ये वही चंद्रमा, वही चंदा मामा जो आप बचपन में बहुत सारे लोरियां सुने हो इनके चक्कर में, वो इतने पास थे कि अगर आप खड़े होकर देखो तो शायद पूरा चंद्रमा ही ना देख पाओ, आपको लगेगा कि सामने कोई गाड़ी खड़ी हुई है बहुत बड़ी सी। तो ऐसा कुछ सिस्टम उस समय था।
समय बीतता गया और ऐसा नहीं कि ये बहुत एकदम क्षण भर में हो गया, नहीं, अब सोचिए 4600 साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है और उससे अगर हम 500-600 साल बाद की बात करें, 500-600 मिलियन ईयर एगो की बात करें, मतलब 500-600 मिलियन वर्ष जैसे ही बीता, कब से, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से, तभी से चंद्रमा बन गया और उसके जस्ट 100-200 मिलियन साल बीता, जस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में 100-200 मिलियन साल बहुत होते हैं, पता नहीं कितने हमारे एज निकल जाए, पता नहीं कितने हमारे एरा निकल जाए, पता नहीं कितना ये कलयुग जो चल रहा है आपका वो निकल जाए, बहुत ही ज्यादा होता है, 500 मिलियन आप बात समझ सकते हो। उस समय आपका समुद्र बनना शुरू हो गया था, तो समुद्र हमारे उतने ही पुराने हैं लगभग जितना पुराना हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा के बनने के कारण बहुत सारी हाइपोथेसिस है कि इसी का टुकड़ा अलग हो गया तो जो आपका ये अंटार्कटिक सागर है ये उसी के कारण बना, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने बताया वो है मेन जो एक्सेप्टेबल है ना। अब हम देखते हैं कि जो हमारा अभी मैंने बताया कि जो हमारा समुद्र है, आप समझिएगा कि 3800 मिलियन ईयर एगो की मैं ये बात कर रहा हूँ और 3800 मिलियन एगो से अगर हम 200 और जाएं, मतलब 3600 मिलियन ईयर एगो की बात करें, है ना, इतने वर्ष पूर्व की बात करें तो हमारे पृथ्वी पे समुद्र का निर्माण हो गया था। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब पत्थर थे तो पत्थर का संघनन होकर पृथ्वी बना, तो समुद्र कैसे बना, समुद्र के लिए पानी चाहिए, वो पानी कहां से आया। एक क्वेश्चन मैं आपसे बहुत पहले पूछा भी करता हूं अक्सर कि पहले पानी आया कि पहले समुद्र आया, है ना, पहले जल वाष्प आया, पहले बादल आया कि पहले समुद्र आया। अब इसको भी हमें बहुत अच्छे समझना है, बहुत अच्छी थ्योरी है जो अभी तक सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है कि इस पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति कहां से हुई, तो इस बात को भी समझेंगे और इस डायग्राम में आप अच्छे से समझ सकते हो कि जैसे जैसे समय बीतता गया ऐसा नहीं कि पृथ्वी बहुत ही ज्यादा बहुत ही अनस्टेबल थी, इतने सारे स्टॉर्म उठ रहे थे, इसकी गति बहुत ज्यादा थी, अब ऐसा समझिए कि इसकी स्पिन इतनी ज्यादा थी कि जो दिन होता था मात्र 3 घंटे का और 3 घंटे का रात, मतलब कि 6 घंटे में आपका जो आपका 24 घंटे में एक स्पिन होता है, 24 घंटे का आपका दिन होता है वो कितने होता था, 6 आवर का केवल आपका क्या होता था, डे होता था, है ना। अब इतना छोटा समझिए और बहुत ही अनस्टेबल थे पृथ्वी, तूफान उठ रहे थे वहां पे, मैग्मा में बहुत तेजी से ज्वार आ रहे थे, ज्वार क्यों आ रहे थे, क्योंकि चंद्रमा बहुत पास था। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि टाइड का जो मेन कारण होता है वो चंद्रमा होता है, चंद्रमा और पृथ्वी के आपस की गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वही दोनों का टाइड का कारण बनता है ना, जो ज्वार उठते हैं समुद्रों में, तो ये ज्वार मैग्मा का ज्वार उस समय उठ रहा था और बहुत सारे वोल्केनो, बहुत सारी ज्वालामुखी उस समय साथ साथ फट रही थी और डिगैसिंग हो रही थी, और डिगैसिंग अभी अच्छे से पढ़ेंगे डिगैसिंग होता क्या है। तो मेन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पानी कहां से आया, उस समय इतना अनस्टेबल था और यही नहीं पूरा ब्रह्मांड अनस्टेबल था, क्योंकि ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पहले बना और अब जाके अभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टेबल है, अभी भी बहुत सारी चेंजेस उसमें लगातार हो रहे हैं, मे बी हमें लग रहा हो क्योंकि हम स्टेबल हो गए हों, लेकिन अभी ब्रह्मांड के बहुत सारे कोनों में बहुत सारी एक्टिविटियां हो रही हैं। तो उस समय एस्टेरॉइड्स का बॉम्बार्डमेंट बहुत कॉमन सी बात थी, बहुत सारे एस्टेरॉयड मेटियोर्स मेटेरॉयड जो उल्का पिंड होते हैं, पुच्छल तारे होते हैं, इनका लगातार पृथ्वी पे आके टकरा रहे थे और इन्हीं एस्टेरॉयड्स में क्रिस्टल के फॉर्म में पानी की बूंदें थी। किसके फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में। एक बात अच्छे समझते हैं कि ऐसे ये अगर आप एस्टेरॉयड का अगर आप चट्टान समझो, एक पत्थर समझो, तो इसमें छोटे छोटे से ये चमकते हुए आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, जिसे मैं अलग डिनोट करना चाहूँ, तो ये क्रिस्टल थे, पानी के क्रिस्टल थे इन्हीं एस्टेरॉयड में। तो जो सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि पानी कहाँ से आया, तो पानी भी हमारे पृथ्वी का खुद का नहीं है, वो भी ब्रह्मांड का दिया हुआ है, वो भी कुदरत का दिया हुआ है जो एस्टेरॉयड के रूप में हमारे यहाँ पे आए। अब एक पत्थर तो आया नहीं होगा, ऐसे लगातार असंख्य बम्बार्डमेंट हो रहे थे, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ बम्बार्डमेंट, बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे और ये आके गिर कहाँ रहे थे, अगर इनकी क्रिस्टल के देखो ऐसे क्रिस्टल एक इल्यूजन सा है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही रहा होगा, बस एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया जाता है कि आपको इमेज के फॉर्म में ज्यादा अच्छे से याद रहे। तो मेनली जो वाटर था वो किसके रूप में था, वो क्रिस्टल के रूप में था। ये क्रिस्टल किस में थे, ये क्रिस्टल एस्टेरॉयड में थे, है ना, एस्टेरॉयड में छुपे हुए थे। इतनी बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रही होगी। अब जब ये पत्थर आके पृथ्वी पे गरम गरम गोले पे गिर रहे थे तो इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री फॉरेनहाइट, ठंडा हो रहा था, 2000 से बहुत ज्यादा हुआ तो कितना होगा 1800 डिग्री फॉरेनहाइट, लेकिन इतना गर्म था तब भी कि उन एस्टेरॉयड को गला रहा था।
था और गला रहा था, तो इनके बीच का जो क्रिस्टल है जिसमें वाटर वेपर था, आज भी जानते हो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 2000 डिग्री फॉरेनहाइट तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया। और अल्टीमेटली जब वो गले तो इनके जो क्रिस्टल हुए वो वाष्प बने। अब यहाँ पे दो चीज समझना है, दो चीज बहुत ध्यान से समझना है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो चीज बहुत एकदम बराबर हो रही थी। क्या हो रही थी? एक तो हमारा सूर्य था और सूर्य के चारों तरफ क्या चल रही थी? सोलर विंड चल रही थी। क्या चल रही थी? सोलर विंड चल रही थी। इस सोलर विंड के चलते ये जो आपकी पृथ्वी है, ये आपकी जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर था क्या था? यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम, ये जो तो आपके मेन एटमॉस्फेयर थे, इनका एटमॉस्फेयर क्या हो गया? इनका एटमॉस्फेयर उड़ गया। और जब उड़ गया तो आप बात समझिएगा, मैंने क्या बोला कि ये क्रिस्टल आए और एस्टेरॉयड के फॉर्म में आए, गिरे और गले वाष्प बना। तो वाष्प बना जब वाटर वेपर बनेगा, क्योंकि आप रेन साइकिल में तो पढ़े ही होंगे कि रेन साइकिल में क्या होगा, वाटर वेपर ही क्या होगा, वेपराइज होके ऊपर जाएगा और यही क्लाउड होगा और क्कंडेंस होगा। क्लाउड क्या होगा? यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा और फिर ये बूंदों के रूप में क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो प्रोसेस अब समझिएगा, वाटर वेपर नीचे है गैस के फॉर्म में है, ऊपर जाएगा और यहाँ पे सोलर विंड चल रही है, तो फिर यहाँ पे रुकेगा कैसे? अब इसके लिए क्या हुआ, इस बात को समझिएगा। तो इस बात को समझने के लिए आपको एक बात समझिएगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो एकदम लेयर्ड स्ट्रक्चर में है। लेयर्ड स्ट्रक्चर में कैसे, आप इस बात को समझिएगा, जो पूरी पृथ्वी बनी हुई है, आप कोर से बात करो, कोर से लेकर ब्रह्मांड के ऊपर, ब्रह्मांड की बात मत करो, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की बात तक करो, है ना, जहां तक उसका एटमॉस्फेयर है यहां तक बात करेंगे। पृथ्वी के कोर से, यहां से और पृथ्वी के बाहरी जो आपका एटमॉस्फेयर है, यहां तक ये क्या है, लेयर के फॉर्म में है। आप देखो तो एक ही कैसे अलग अलग आपको लेयर मिलेगी, लेयर कैसे मिलेगी इस बात को समझाता हूं। आप इतना पढ़े होंगे कि जो पृथ्वी है आपका ये कोर है और इसके ऊपर मेंटल है और जो ऊपरी वाली जो पोर्शन है ये क्या होता है, क्रस्ट होता है। तो तीन लेयर में तो आप खुद जानते ही हो, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये भी तो लेयर है। अब इन लेयर की प्रॉपर्टी ये थी कि जिसकी डेंसिटी कम हुई वो ऊपर रह गई, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हुई वो नीचे जाएगी। सिंपल सी बात है भाई, जिसकी भी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे जाएगा ना। आप पानी में डूबते क्यों? क्योंकि पानी से आपका घनत्व ज्यादा होता है, आप डूब जाते हो। लोहा पानी में क्यों डूब जाता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व ज्यादा होता है और डूब जाता है। अगर हम उसकी डेंसिटी बढ़ा दें किसी तरह से तो वो चीजें डूबती नहीं है। अब आप ऐसे समझिए कि हम भी पृथ्वी की सतह पे, पृथ्वी की ये पृथ्वी है और इसके सतह पे हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो ऊपर ये भी जो आपका एटमॉस्फेयर, ऐसा समझो ये भी तो गैस का एक समुद्र है, है ना, गैस का एक समुद्र, ये भी लेयर में है। तो इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि हम क्या, हम इसमें डूबे हुए हैं, है ना, एटमॉस्फेयर में डूबे हुए हैं। तो इस बात को समझिएगा। अब इस लेयर स्ट्रक्चर का मेन क्या है, क्योंकि अर्थ क्या कर रही थी, स्पिन कर रही थी लगातार, बहुत तेजी से घूम रही थी, और ये सारे जितने भी हमारे थे मटेरियल वो गले हुए थे, मॉल्टन स्टेट में थे, लिक्विड स्टेट में थे, ज्यादा टेम्परेचर 2000 डिग्री फॉरेनहाइट के कारण। तो जब ये स्पिन कर रही है, आप एक प्रोसेस देखोगे, सूप जो होता है चलाया जाता है ना, सूप जिसमें आप चावल वगैरह साफ करते हो, पहले चलता होगा, है ना, आप लोग देखे भी ना हो या देखे भी होंगे जो भी, तो उसमें क्या होता था, जब हम सेक करते थे तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती थी वो आगे आती थी, जो भारी मटेरियल होता था, और जो हल्का मटेरियल होता था वो पीछे रह जाता था, है ना। तो बस ऐसी प्रोसेस है, कोई चीज लगातार मूव कर रही है, वो एकदम स्पिन कर रही है, तो जो हैवी मटेरियल है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो कहां चले जाएंगे, सेंटर में चले जाएंगे, और जिसकी डेंसिटी कम है वो क्या हो जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे। यही कारण है कि आपके लोहे की डेंसिटी सबसे ज्यादा थी, तो वो जाके आपके कोर में बैठ गया। आप इधर एक स्ट्रक्चर समझो, ये आपका अगर पृथ्वी है, ये आपका अगर कोर है, तो ये जो पार्ट है आपका, इसमें क्या रह गया, इसमें आपका आयरन रह गया, फेरस रह गया, एकदम नीचे, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा थी, और ऐसे हल्के हल्के मटेरियल ऊपर रहते चले गए। इससे हुआ क्या, जब आपका आयरन जाके एकदम कोर में समाहित हो गया, तो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। क्या डेवलप हो गई? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई, और ये मैग्नेटिक फील्ड अल्टीमेटली आपके पृथ्वी के लिए कवच का काम की, किस लिए, किसके कवच से, ये जो सूर्य का सोलर विंड था, है ना, ये
जो सौर तूफान था इसका कवच के रूप में बना और इसको इसने क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। इस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, उसको डाइवर्ट कर दिया। मैं इसे आपको बहुत अच्छे स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका कोर है जो आपके आयरन इसमें है, फेरस है, और इसके कारण जो ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है, मैं अगर इसे व्हाइट पेन से करूँ, ये आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है, आप इसे पढ़े भी होंगे इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th में अच्छे से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, या पृथ्वी की मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़े होंगे, बहुत सारी थ्योरी इससे अर्थ के मैग्नेटिज्म से निकल के आती है। तो ये जो सोलर विंड आ रही थी, ये जो सोलर विंड, सोलर रेडिएशन, कॉस्मिक वेव्स जो आ रही थी बहुत तेजी से, ये डायरेक्ट ना पार होके ये क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई इसके दोनों तरफ। और इस रिफ्लेक्शन के कारण, क्योंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पे ये सोलर विंड नहीं पड़ा, तो जो वोल्केनो से, जो नीचे से गैस निकल रहे थे, यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, वोल्केनो से जो गैस निकल रहे हैं, उनको फिर से सूरज की हवा उड़ा नहीं पाई और ये ऊपर जाके जिनकी डेंसिटी जैसे थी वहीं पे रुकना शुरू हो गए और धीरे धीरे ऐसे ही एटमॉस्फेयर बनाना शुरू हो गए। तो यहां से आप ये भी समझ सकते हो कि एटमॉस्फेयर की उत्पत्ति कैसे हुई, इस थ्योरी को भी आप यहां से समझ सकते हो। अब इससे इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट ये हुआ कि जब हमारे एटमॉस्फेयर आ गया, यहां पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जब एटमॉस्फेयर आ गया, ये आपका पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, और यहां पे जब एटमॉस्फेयर आ गया इसके चारों तरफ, ऐसा समझिए, इसके चारों तरफ जब एटमॉस्फेयर आ गया ये, तो इसकी जो रेडिएशन, सूर्य की जो रेडिएशन यहां पे आ रही थी, यहां पे आके फिर से टकरा के वापिस आने लगी और पृथ्वी की गर्मी भी अल्टीमेटली और बढ़ने लगी, पृथ्वी और गर्म होने लगी और इसका एक एटमॉस्फेयर बन गया। तो जो हमारे यहां पे वोल्केनो थे, इस वोल्केनो से जो हमारी गैस ऊपर जा रही थी, वो जाके यहां पे क्या हो गई, रुकने लगी, और जैसे ऊपर बढ़ी, यहां पे तो टेम्परेचर बहुत कम था, ज्यादा था टेम्परेचर, ज्यादा वो और बर्फ बना रहा था, लेकिन ऊपर टेम्परेचर कम था और ऊपर टेम्परेचर कम होने के कारण कंडेंसेशन हुआ और पता नहीं कितने मिलियन साल, 300, 400, 500 मिलियन साल लगातार बारिश हुई और पृथ्वी को अंततः फिर से क्या करने लगी, ठंडी करने लगी। तो ऐसे पृथ्वी का तापमान भी गिरने लगा और अल्टीमेटली जो हमारी इतनी बारिश हुई, जो पृथ्वी पे जो गड्ढे नुमा इतने रॉक्स थे ठंडे हुए, उन्हीं के कारण ऊपर का क्रस्ट बना और बहुत पूरा का पूरा एक पानी से लबालब पानी इसका एक गोला बन गया और उस समय पृथ्वी एकदम हमारी नीली पृथ्वी, ब्लू अर्थ की तरह चमकने लगी, दिखने लगी थी और ऐसे ही हमारे समुद्र की उत्पत्ति हुई थी। तो मेरे ख्याल से इतनी थ्योरीज के साथ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके साथ एक चीज और हुआ जो समझिएगा, समय बीतता गया, 3600 से 3500 मिलियन साल पहले की बात करें अगर, तो जो हमारे एस्टेरॉइड्स आ रहे थे, जो हमारे एस्टेरॉइड्स आ रहे थे, उसमें जो क्रिस्टल के रूप में वाटर था है ना, H2O था, उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स वगैरह भी थे, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स मटेरियल वगैरह भी थे जो आगे चल के हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुए, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई वो भी उस ब्रह्मांड की ही देन है, ऑटोमेटिकली नहीं हुआ कोई चीज़। तो हुआ क्या, जब हमारे वो एस्टेरॉइड्स आए तो आके उस गर्म पृथ्वी पे है ना, गर्म पृथ्वी पे जब आके टकराए और गले, ये धीरे धीरे एकदम जाके अंदर चलते चले गए, क्योंकि इस समय अभी क्या हो गया था, समुद्र बन गया था है ना, पृथ्वी के चारों तरफ क्या था, पानी पानी था। तो जब इसके जो वो मटेरियल थे जिसके अंदर प्रोटीन वगैरह थी, आप देख पा रहे होंगे मेटेरॉइड्स कंटेन साल्ट प्रोटीन है ना फॉर लाइफ, तो ये जो साल्ट था, प्रोटीन था, ये पृथ्वी के अंदर जाके समुद्र के सतह पे जाके यहाँ पे जमा होने लगे और क्रैक्स में जाने लगे और जिनके कारण से समुद्र में एक विचित्र सा स्ट्रक्चर बनता चला गया जिसे ओशन चिमनी भी बोलते हैं, चिमनी की भांति जो आप इसे अच्छे से देख पा रहे होंगे, एकदम समुद्र में नीचे आके डिपॉजिट होते चले गए। और इतनी गर्मी के कारण, क्योंकि मेंटल तो आपका अभी भी गर्म है, भले ही समुद्र से ऊपरी सतह को ठंडा कर रहा है, लेकिन नीचे तो आपकी
पृथ्वी गर्म है ना, नीचे से तो आग निकल ही रही है, और फिर वो मटेरियल पानी के एकदम फुहारे जो ऊपर चिमनी से निकल रहे थे, और इन्हीं में पाया गया ये छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो अल्टीमेटली लाइफ दिए। क्या दिए? अल्टीमेटली जो लाइफ का प्रोसेस आया वो इन्हीं से आया। तो ये भी आप बता सकते हो कि किससे आया है, ये एस्टेरॉयड से आया है लाइफ प्रोसेस भी। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो ये मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया हूँ कि जो पूरा लाइफ का प्रोसेस है ना, एकदम ये यूनिसेलुलर बैक्टीरिया के रूप में बने। अभी भी 3600 मिलियन, मैं आपसे बोलूँ 3500 मिलियन इनके बीच में, और 3500 से अभी और चलेगा 2500 मिलियन तक, लगभग 2000 मिलियन साल पृथ्वी ऐसी ही रही। अब ऐसा नहीं कि एकदम रुक गई, लगातार ये छोटे छोटे यूनिसेलुलर बैक्टीरिया बढ़ते गए एकदम, और बैक्टीरिया ऐसे नहीं बढ़े, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, ठीक है ना, यूनिसेलुलर एकदम। बाकी तो कॉम्प्लेक्स लाइफ तो आई ही नहीं थी, कॉम्प्लेक्स लाइफ तो बहुत साल तक, 1500 क्या 750 मिलियन वर्ष तक अभी आगे आ जाएंगे, समझेंगे इस बात को, तब तक तो कॉम्प्लेक्स लाइफ तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी, सब कुछ यूनिसेलुलर में था, मल्टीसेलुलर का भी कहीं नाम नहीं था। और यही बैक्टीरिया आपस में इतने हो गए कि समुद्र के अंदर कॉलोनी के रूप में एकदम बन गए। तो ये आप में एक इमेज दिखा रहा हूँ कॉलोनी के रूप में, एकदम रॉक चट्टान की तरह आप देख पा रहे होंगे। हाँ, तो ये रॉक चट्टान की तरह आप देख पा रहे होंगे। मैं इसका एक रफ डायग्राम भी बनाता हूँ। डायग्राम में क्यों बना रहा हूँ इस बात को भी मैं बता दूँ, क्योंकि आप ये इमेज देख के परीक्षा में डायग्राम नहीं बना सकते। मान लो खिचड़ी आपको लिखने को आ गया, डायग्राम बनाने को आ गया, तो आपको अलग से बनाना आना चाहिए। तो जब भी आप इसे घर पे भी रहो तो एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करो। तो एकदम जैसे मशरूम होता है ना, मशरूम की तरह एक चट्टान के रूप में ऐसे ही आपको रॉक मटेरियल की तरह ऐसे दिखेंगे, और इसमें छोटे छोटे से ऐसे, और ऐसे बहुत सारे समुद्र के अंदर कॉलोनी की तरह ये बनते चले गए, जो आप नीचे डायग्राम में बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये क्या, ये पत्थर नहीं है, ये हमारे बैक्टीरिया के एकदम कॉलोनी है, एकदम झुंड है जो लगातार क्या काम करते गए, ऑक्सीजन देते चले गए, और इनको बोला गया एस्ट्रोमेटोलाइट्स इन्हें बोला गया एस्ट्रोमेटोलाइट्स, इन कॉलोनी को एस्ट्रोमेटोलाइट्स बोला गया। और इनका काम क्या था, दो चीज, एक तो एस्ट्रोमेटोलाइट और एक फाइटोप्लैंक्टन्स, ये दोनों चीज उस समय कब से, लगभग 3500 साल से 1500 मिलियन ये रंगों की बात कर रहा हूँ, इनके बीच में इनका ग्रोथ इतना होता गया, और अल्टीमेटली जैसे ही फाइटोप्लैंक्टन्स और एस्ट्रोमेटोलाइट आए, इन्होंने सूर्य के रोशनी से फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन डेवलप करना शुरू कर दिया। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जब हम 3600 मिलियन ईयर की बात कर रहे थे, क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन था आपका, मीथेन था, इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट था कि अगर उसकी एक बूंद भी डाल दिया जाए तो पूरी की पूरी शरीर जल जाए, इतना जबरदस्त टॉक्सिक था। लेकिन ये वरदान के रूप में पृथ्वी पे आए और हमारे सनलाइट से फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदले, ऑक्सीजन में बदले, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के इन्होंने ग्लूकोज में बदला, जो अन्य साथियों के लिए, इनके अन्य स्पीशीज के लिए बोल सकते हैं, खाने का काम किया, फूड का काम किया, और ऐसे करके एक लाइफ प्रोसेस चल पड़ी। कब चल पड़ी, 3500 से 1500 मिलियन ईयर एगो की बात कर रहे हैं। तो जब भी अगर लाइफ प्रोसेस की बात होती है तो किताबों में भी आप आओगे तो 3.5 बिलियन या 3500, सीधा मैं 3500 मिलियन ही बोलता हूँ ज़्यादा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले 3500 मिलियन ईयर एगो पहले लाइफ की सबसे पहला जो हमें मिला है फॉसिल्स वगैरह से या हमारे जो रॉक्स के स्टडी से मिले हैं, वो क्या मिला है, 3500 मिलियन ईयर एगो से हमारे लाइफ स्टार्ट हुई है। अब ये ग्लूकोज तो बना दी, ये बात समझ में आ गई, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट निकला, ये भी समझ में आया, ऑक्सीजन जितना निकलेगा, क्योंकि ये छोट कम तो थे नहीं, पूरे समुद्र में, पूरी की पूरी पृथ्वी पे समुद्र, और पूरे समुद्र में ये, आप समझिए कितनी ज्यादा ऑक्सीजन निकल रहा होगा, और इतना ऑक्सीजन निकला कि आपका पूरा जो समुद्र था वो ऑक्सीजन से भर गया, और ऑक्सीजन के आने के कारण एक जो बहुत बड़ा प्रोसेस हुआ जो आपके ज्योग्राफी में आगे मिनरल्स में पढ़ने में काम आएंगे, वो ये हुआ कि जो रॉक्स से इनका रिएक्शन हुआ, इन्होंने ऑक्साइड बनाया, और क्योंकि रॉक्स में आयरन मौजूद थे, और अगर O2 उसमें मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कौन बना रहा है,
ये बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड बना, Fe2O बना, और जैसे Fe2O बना ये रस्ट के फॉर्म में समुद्र के एकदम सतह पे जाके बहुत सारे रस्ट आयरन ऑक्साइड जमा होते चले गए, जो आज हमारे जीवन की बहुत बड़ी कड़ी है। ये प्रोसेस ना हुई होती तो शायद आज हमारे यहाँ घर ना बन पाते, अगर लोहा ना होता हमारी ब्रिज ना बन पाती, हवाई जहाज ना बन पाता, जितनी सुख सुविधाएं हम ले सकते हैं कुछ नहीं बन पाता अगर ये प्रोसेस ना हुई होती। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है, इस बात को आप समझिएगा। कब ये हुआ? 1500 मिलियन ईयर एगो, इन 2035 से 1500 मिलियन ईयर, जो 2000 का टाइम पीरियड था उस समय ये सारी प्रोसेस हो रही थी। तो मैं अभी समझा रहा हूं, इस चीज को समझाते हुए चल रहा हूं, इस बात को समझिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे अभी हम देखेंगे कि ये तो अभी मैं इतना बता रहा हूँ कि कैसे हमारी लाइफ प्रोसेस स्टार्ट हुई, एकदम इंट्रो की तरह चल रहा हूँ। अभी हम देखेंगे पूरा चार्ट, देखेंगे कौन सा युग आया, कौन सा एरा आया, कौन सा एपक आया, सब कुछ बहुत अच्छे से देखेंगे तो हमें सारी चीजें समझ में आएंगी, एकदम हम उसे समराइज करेंगे। अभी आप इसे समझते हुए अच्छे से चलिए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ, जो मेजर इवेंट्स हैं उसकी बात कर ले रहे हैं कि 1500 मिलियन ईयर वो बीत गए, ठीक है। उसके बाद हमारे जो पृथ्वी का रोटेशन था स्पिन धीरे धीरे स्लो हुआ। स्लो क्यों हुआ, इस बात को भी आप समझेंगे कि चंद्रमा दूर जा रहा था, चंद्रमा दूर जा रहा था तो उसके इफेक्ट उस पर कम पड़ रहे थे, पृथ्वी भी स्टेबल हो रही थी, उस पर तूफान वगैरह वो सब प्रोसेस कम हो रहा था। तो अब जो दिन था, पहले मैंने क्या बोला 6 घंटे का होता था, 16 घंटे वगैरह का होने लगा था। खैर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख दिया हूं ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। ऑक्सीजन लगातार पंप हो रहे थे पूरे किसमें, एटमॉस्फेयर में और समुद्र में, दोनों जगह, ऐसा नहीं कि समुद्र तक ही सीमित रह गए, एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन जा रहे थे, और इसका भी बहुत बड़ा रोल है, मैं आगे चलकर समझाऊंगा। ऑक्सीजन पंपिंग हो रही थी, और दूसरी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट थी वो क्या था, कॉन्टिनेंट का मूवमेंट। कॉन्टिनेंट का मूवमेंट, जब से पृथ्वी बनी तब से उसकी चट्टाने मूव कर रही हैं, लेकिन एक कॉन्टिनेंट का नाम जब दिया गया, जब सारे पत्थर इकट्ठा होके एक जगह आ गए, एक जो क्रस्ट बना और क्रस्ट इकट्ठा होके एक जगह आ गया और समुद्र होके एक जगह हो गया, तो उन्हें कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया। सुपर कॉन्टिनेंट रोडिना के बारे में अभी हम आगे चल के बात करेंगे। तो ये कॉन्टिनेंट का मूवमेंट बहुत बड़ी प्रोसेस है, और पूरे पूरे ज्योग्राफी में, पूरे फिजिकल में अगर ये प्रोसेस छूट गया तो समझ लीजिए सब छूट गया। अभी तक ना ही कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ थी, मतलब केवल क्या था, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया था, कोई भी अभी मल्टीसेलुलर कुछ भी नहीं आया था भाई, ह्यूमन की तो बात ही नहीं कर सकते जब मल्टीसेलुलर नहीं आया, और डायनासोर की भी बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं था, था तो केवल क्या था, ऑक्सीजन उस समय बहुत ही तेजी से पंप हो रहा था। समय बीतता गया, 400-500 साल मिलियन साल और बीता ऐसे, फिर आइलैंड्स जो हुए आपस में क्या हुए, मर्ज होने लगे। समझिएगा इस समय अगर पृथ्वी को, अगर आप पृथ्वी का फिगर समझे तो पृथ्वी कुछ ऐसी थी कि पृथ्वी पे हर तरफ समुद्र था, और इसमें बीच बीच में उठे हुए क्या थे, आइलैंड टाइप में थे, क्योंकि मैंने क्या बोला कॉन्टिनेंट मूवमेंट हो रहा है, कॉन्टिनेंट मूवमेंट हो रहा है तो कई सारे प्लेटें आपस में मिल रही है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में इसे अच्छे पढ़ेंगे, कई सारे जो प्लेटें हैं वो आपस में दूर भी जा रही हैं, जिसके कारण से एक हमारा जो जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो इकट्ठा आते गए, ये आइलैंड आपस में इकट्ठा आते गए, और ये आइलैंड इकट्ठा आके एक सुपर कॉन्टिनेंट बने, जिसे क्या बोला गया, रोडिना बोला गया। रोडिना के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ऐसा समझिए कि ये पूरा आइलैंड था और ये आके एकदम सारे एक तरफ और बाकी सारा पानी पानी एक तरफ हो गया, तो ये हमारा कुछ रोडिना कहलाया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। यहां तक तो हमने मेजर इवेंट अभी बात करें, यहां तक तो हमने मेजर इवेंट ये देख लिया, कहां से 4.6 या 4600 सीधा बोलता हूं 4600 मिलियन ईयर एगो से कहां तक 1100 मिलियन ईयर एगो तक हमने ये देखा कि अभी तक क्या क्या इसमें मेजर इवेंट हुए। मेजर इवेंट मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ हमने देखा, ओशन का फॉर्मेशन समुद्र कहां से आए हमने इसे अच्छे से जाना, और इसके साथ साथ ही चंद्रमा तो बन गया, ओशन कहां से आगे चल गया, पानी कहां से आगे चल गया, पृथ्वी का जो रूप जो लगातार ठंडा हो रहा था वो कहां से बना, समुद्र के कारण जो सारी चीजें हो रही थी वो कहां से बना, इतना सा हमने देख लिए। साथ में लाइफ भी जो हमारी स्टार्ट हुई कैसे स्टार्ट हुई ये भी अच्छे से देख लिए। तो तीन मेजर इवेंट कौन सा, मून फॉर्मेशन, ओशन का फॉर्मेशन और लाइफ इवेंट, तीनों चीज किसमें हुई, 4600 मिलियन ईयर एगो से 1100 मिलियन ईयर एगो के बीच में हुई। और इसी इसी को ही
हमारे जो बोलते हैं, जैसे आप पढ़ोगे प्री कैम्बियन, कैम्बियन, ये सारे हमारे महाकल्प वगैरह जो पढ़ोगे इन सब चीजों में, आगे हम चल के देखेंगे कि जो हमारे हेडियन युग बोला गया, इसे महाकल्प बोला गया, हेडियन महाकल्प बोला गया, इसके अंतर्गत इस चीज को हमने लेके चले, ठीक है ना, आर्कियन से भी बहुत पहले। चलो तो इसे हम अच्छे से देख लेते हैं, एक आपको टेबल में दिखा देता हूँ जो हमें बेसिकली पढ़ना है, और इसमें हम क्या जानेंगे इस बात को भी जान लीजिए। सबसे पहले तो हम एरा जानेंगे, एरा क्या होता है, जो हम अभी तक हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, किसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमारे जियोलॉजिकल अर्थ, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ हम जो पढ़ रहे हैं, है ना, भूगर्भिक इतिहास पढ़ रहे हैं, ये भाई मानव का इतिहास पढ़ते हैं, मानव के इतिहास जैसे पढ़ता है कि तो हम क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं चीज़ें, ऐसे हम ये भी क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं कि किसके बाद क्या हुआ था, कि हमें सारी चीज़ों का सही अंदाजा पता चल पाए। तो उसे जब हमने रॉक से, जब हमने रेडिएशंस के बहुत सारे तरीकों से, जब हमने एक एक चीज़ देखा, बहुत सारे फॉसिल्स मिले, तो हमने पता लगाना शुरू किया कि मानव कितना पुराना है, ये पत्थर कितने पुराने हैं, ये पर्वत कितने पुराने हैं, ये समुद्र कितना पुराना है, और सबको एक पीरियड में, एक टाइम में डिवाइड करते चले गए। जैसे हम अपने, अगर मैं बोलूँ कि आपकी उम्र क्या है, तो आप बोलोगे मैं फला तारीख को पैदा हुआ था, इस हिसाब से मेरी उम्र इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकेंड, अगर आपको एकदम डिटेल्ड नॉलेज देना होगा, तो पृथ्वी की भी ऐसा होगा, इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने मिनट, इतने इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड, इतने मिलीसेकंड, आप ऐसे पृथ्वी के भी उम्र को डिवाइड करोगे। तो जो सबसे बड़ा है उसे एरा बोला गया या महाकल्प बोला गया, उसे फिर पीरियड बोला गया, फिर इपक बोला गया, या शक बोल सकते हैं उसे, और यहां पे मैंने ड्यूरेशन आपको बताया कि किस समय पहले हुआ था। तो तीन मेजर में डिवाइड किया गया, किस में, सबसे बड़ा एरा या महाकल्प, पीरियड या कल्प, इपक यानी कि शक जो कल्प भी बोल सकते हैं। तो ये तीन आपका मेनली जो हिस्टोरिकल इवेंट हुआ इसमें डिवाइड किया गया। जो मेजर है, वैसे तो अगर आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे, मैक्सिमम किताबें वो तीन मानती हैं, कौन कौन सी, पैलियोजॉइक या प्राइमरी बोले, है ना, क्या बोलते हैं, प्राइमरी या पैलियोजॉइक, इसके बारे में एकदम डिटेल में भी हम स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से, एक एक चीज आप समझिएगा, मैं इसे जूम करके एक एक चीज दिखा रहा हूं आपको, है ना, प्री कैम्ब्रियन की बात नहीं करेंगे अभी, पैलियोजॉइक और प्राइमरी जो मैक्सिमम किताबों में आपको मिलेगा। दूसरा सेकेंडरी या इसे क्या बोला गया, मीसोजॉइक बोला गया, है ना, मध्यजीवी बोला गया, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, मध्यजीवी बोलेंगे या सेकेंडरी बोलेंगे, इसे पैलियोजॉइक बोला जाए या आद्य महाकल्प बोला जाएगा, और ये हमारा प्राइमरी युग हुआ। और फिर हमारा जो अभी सबसे रिसेंट है वो चल रहा है सीनोजॉइक या कैनोजॉइक बोला जाता है, इसे हिंदी में भी सेनोजॉइक लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, सेनोजॉइक लिखा जाता है हिंदी में भी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मेन तीन, अब देखिए टेबल मैंने उल्टा बनाया है, समझिएगा, मैं बता रहा हूं नीचे से लेकिन बता रहा हूं ऊपर, क्यों ऊपर से बता रहा हूं, इसका भी कारण है भाई, जैसे जैसे मानव बुद्धिमान हुआ और अपनी हिस्ट्री का पता लगाना शुरू किया, पता कहां से लगाया, पता लगाया रॉक से, चट्टान से, फॉसिल से, तो पता कैसे लगाएगा, चट्टान को खोदेगा, अब वो अपनी हथौड़ी लेके जाएगा और कुछ मिट्टी निकालेगा, तो ये आपका पूरा, समझिएगा, ये आपका पूरा पृथ्वी की हाइट है। सबसे पहले ऊपर इतना पोषण करेगा, फिर इतना हटाएगा, फिर इतना हटाएगा, फिर इतना हटाएगा, फिर इतना हटाएगा, तो ऐसे ऐसे पोषण तो एक एक करके जाएगा, तो जो सबसे ऊपर मिलेगा उसकी जानकारी हमने सबसे ऊपर दे दी, उसके बाद जो जानकारी मिलेगी उसकी जानकारी नीचे दे दी, फिर उसकी जो जानकारी मिली उसकी जानकारी नीचे दे दी, तो हमने अपना भी जो हमारे पढ़ने का तरीका होगा कुछ ऐसा ही होगा। तो जो सबसे रिसेंट है, अगर मौजूदा की बात करें, अभी कुछ किताबें तो इसे नियोजेनिक भी बोलते हैं, नवयुग, है ना, नवजीव युग भी बोलते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी वगैरह है, सीनोजॉइक वगैरह ही मानती है, उसे आप बहुत ज्यादा मत जाइएगा, या कहीं जगह अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप ये भी समझिए कि नियोजॉइक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, क्या, नियोजॉइक, इसको नियोजॉइक भी बोलते हैं, लेकिन किसको, ये क्वार्टरनरी वाले पार्ट को, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सीनोजॉइक कैनोजॉइक में क्वार्टरी और टर्शियरी, ये हमारे पीरियड है, अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से, इसे एक साथ रख दिए, क्वार्टरनरी वाले पोर्शन को हम नियोजॉइक में भी रखते हैं, बहुत सारी किताबें ऐसा बोलती हैं, और सीनोजॉइक हमारा जो आता है टर्शियरी में आता है, इस बात को आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। खैर, हमने सबसे पहले तीन एरा में डिवाइड किए, और इस एरा को फिर छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड किए, तो सीनोजॉइक जो हुआ वो टू
पीरियड में हुआ, एक क्वार्टरनरी जो हमारा क्या चल रहा है चतुर्थ जिसे बोलेंगे है ना, और टर्शियरी मतलब तृतीय युग जिसे बोला गया हमारा, तो चतुर्थ युग और तृतीय युग जो हुआ ये हमारा किस में आया, सीनोजोइक में। आप कुछ किताबों के हिसाब से क्वार्टरनरी किस में आएगा मैं फिर से बता दे रहा हूं, नियोजोइक में आएगा और फिर टर्शियरी हमारा सीनोजोइक में आ जाएगा। ऐसे हमने जब मीसोजोइक को डिवाइड किया तो ये मेजर कितने पीरियड में, 5 पीरियड में डिवाइड हुआ, कौन कौन सा, क्रिटेशियस, ये शायद आपको सही से दिख ना रहा हो तो मैं यहाँ पे बगल में लिख दूं क्या, मैं बोल दे रहा हूँ है ना, लिख ही दे रहा हूँ, चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, ज्यादा अच्छा है। क्रिटेशियस है ना, सबसे ऊपर क्या हुआ, क्रिटेशियस कहलाया, जो इसका पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट जो हुआ फिर जुरैसिक, ये समझिएगा उल्टा हम लोग कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमें चट्टान मिल रही है, अभी हम ऊपर से आएंगे, अभी आज से अपने पीछे देखना शुरू किए तो सबसे पहले हमें क्रिटेशियस मिलेगा, फिर जुरैसिक मिलेगा, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, परमियन। अच्छा देखिए, क्रिटेशियस, जुरैसिक और ट्रियासिक, ट्रियासिक के बाद फिर क्या मिलेगा, परमियन है ना, और कार्बोनिफेरस। तो बस समझिएगा ये जो तीन है मेजरली, ये जो तीन है ये आपके किसमें है, 5 नहीं, ये तीन जो है मीसोजोइक में आएंगे, और 6 जो आपके हैं कौन कौन से, परमियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सेलुरियन और ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन, ये 6 है ये पैलियोजोइक में आएंगे, इस बात को आप समझिएगा अच्छे से। एक एक चीज अभी हम बहुत अच्छे से देखेंगे, ये जो आपके 6 आए ये किसमें आए, ये आपके पैलियोजोइक और प्राइमरी में आए। सेकेंडरी में कौन से आए, क्रिटेशियस, जुरैसिक और ट्रैसिक, तो 3 यहां पे, 2 वहां पे, 2, 3, 6, 2 ऐसे चल रहा है, आप इस बात को अच्छे से समझिएगा। और ये प्रोटोजोइक, और इसमें हम टर्शियरी को भी और भी तोड़ सकते हैं, टर्शियरी को 5 में फिर से टूटा, कुछ किताबें आपको टर्शियरी में ही इधर आपको पीरियड में ये लिखा मिलेगा, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, ईओसीन, पैलियोसीन, ऐसा आपको लिखा मिलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर आपको टर्शियरी में मिलेगा, लेकिन थोड़ा उबाऊ लग रहा होगा, लेकिन अभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, समझिएगा, बस एक आपका फ्लो चार्ट बन जाए दिमाग में पढ़ना क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस। तो टर्शियरी जो हमारा था ये 5 में क्या हुआ, किसमें किसमें हुआ, प्लियोसीन, मियोसीन, ओलिगोसीन, ईओसीन और पैलियोसीन है ना, और क्वार्टरनरी हमारा होलोसीन और प्लिस्टोसीन। तो जो अभी हम इपक की बात करें तो जो सबसे नया है वो कौन सा है, होलोसीन, जो मॉडर्न मैन की बात करता है। अगर हम अपने पूर्वज में बात करें, होमो सेपियंस की बात करें, तो प्लिस्टोसीन युग में पढ़ेंगे, आशीष सर भी आपको हिस्ट्री में बताए होंगे इंदो युग की, लेकिन हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। और ये कब से है, 12000 मतलब 2000 चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो 2000 इधर निकाल लो और 10000 पहले ईसा पूर्व उधर ले लो, तो 12000 साल पहले की बात कर रहे हैं तो होलोसीन, और अगर उस 10-12000 से लेके 2 मिलियन साल पहले की बात करें तो वो प्लीस्टोसीन। तो ऐसे करके हम एक एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम इस बात को अच्छे समझेंगे कि अभी हमारा मॉडर्न है, फिर होमो सेपियंस और द अर्ली ह्यूमन, उससे पहले एप थे, उससे पहले एंथ्रोपॉइड आए, उससे पहले रैबिट्स यानी खरगोश वगैरह, उससे पहले रैट्स वगैरह आए, फिर डायनासोर का एक्सटेंशन हुआ और उससे पहले डायनासोर थे, तो ये सारी चीज़ हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन ऐसे फ्लो चार्ट में नहीं, बहुत डिटेल में इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आते हैं एक एक चीज़ देखते हैं, तो सबसे पहले हम एरा की बात करेंगे, एरा को मैंने इसलिए डिवाइड किया, और एरा यानी कि आद्य महाकल्प चल रहा है, ध्यान रखिएगा कि अब जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको नीचे से पढ़ाऊँगा, यहाँ से आद्य महाकल्प से पढ़ाऊंगा, और इसमें हमारे जो दो हैं आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक है ना, आर्कियन युग जिसे बोलते हैं, हमने सुना होगा आर्कियन युग की चट्टानें है ना, आर्कियन युग की चट्टानें, तो ये सब यही है, अभी अच्छे से समझेंगे। नीचे से हम लोग पढ़ना शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम आए आद्य महाकल्प में प्री कैम्ब्रियन की बात करें, हालांकि यहाँ आपकी किताबों में ये युग नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम आर्कियन युग की बात करेंगे क्योंकि नेसेसरी है इसके में जानना, क्योंकि चट्टानें इसमें बहुत ज्यादा होती है। इस युग में सेलों के जीवाश्म पूर्णता अभाव था, जो सेल थे मतलब जो पत्थर थे उसमें क्या था, जीवाश्म एकदम नहीं था है ना, फॉसिल्स पाया ही नहीं गया, और इसीलिए इसे प्राग जैविक या एजोइक बोला गया। चट्टाने ग्रेनाइट एवं नीस, जो चट्टानें थी वो ग्रेनाइट और नीस से बनी थी, और इसमें सोना और लोहा की बहुत ज्यादा प्रचुरता थी, मैं इस बात को बोलूं। एजोइक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, एजोइक मतलब कि ये प्राग्जैविक, इसमें जीवाश्मों का एजोइक, जोइक नहीं है उसमें, एजोइक है ना, तो उसमें जीवाश्म नहीं है ऐसे चट्टानों में, किसमें, इस आर्कियन युग के चट्टानों में आपको ये नहीं मिलेंगे। चट्टाने ग्रेनाइट एवं नीस में थे, और इसी में कनाडियन एवं फेनोस्कैंडियन सील्ड का निर्माण हुआ। कनाडियन और फेनोस्कैंडियन सील्ड क्या है, इस बात को हम अच्छे समझते हैं, इस बात को समझिएगा कि ये जो आर्कियन युग है ये 800 से 700 मिलियन ईयर एगो की बात कर रहा है,
है ना, आर्कियन की बात कर रहे हैं, एकदम आद्य महाकल्प की बात कर रहे हैं, जो आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी से उससे पहले की बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जब आप पढ़ोगे प्राइमरी बात करोगे तो वो शुरुआत होता है 570 से, आप किताबों में जो पढ़ोगे वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 570 से। लेकिन ध्यान दीजिएगा मैं कहाँ से बता रहा हूँ, 800 से 700 मिलियन ईयर एगो। 1100 सप्तक हमने देखा था, 1100 में फिर से एक दिखा दूँ, यहाँ पे हमने 1100 मिलियन ईयर एगो तक देखा था कि हमारा रोडिना बन गया था, कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे थे, और ये प्रोसेस लगातार 400-500 साल ऐसा चलता रहा, कॉन्टिनेंट लगातार मूव करते रहे, वोल्केनो फटते रहे, डिगैसिंग होती रही। डिगैसिंग आया है तो मैं एक टर्म आपको बता दूँ, डिगैसिंग क्या होता है, शॉर्ट में बताता हूँ कि ये आपका वोल्केनो है, ये वोल्केनो है, और फ्रेश बताता हूँ, है ना, थोड़ा ज़्यादा स्पेस में, ये आपका वोल्केनो है ठीक, और वोल्केनो से आपका क्या निकलता रहता है, लावा निकलता रहता है, मैग्मा निकलता रहता है, इस बात को तो आप अच्छे से जानते हो। और ऊपर इसके अलावा क्या निकलता है, इसके अलावा जो हमारा निकलता है वो होता है इसके फ्यूम, चलो इसी से ले लेता हूँ, है ना, ये इसके फ्यूम निकलते रहते हैं, इसमें गैस निकलती रहती है, ये गैस किससे बनी हुई है मैक्सिमम, इस गैस में है CO2 है, इस गैस में मीथेन है, इस गैस में नाइट्रोजन है, ये गैस नीचे से निकल रही है ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गैस ऐसे आराम से निकल रही है, तो ये जो गैस निकल रही है नीचे से पृथ्वी से, गैस के निकलने को क्या बोलते हैं, डीगैसिंग बोलते हैं, डीगैसिंग, इस बात को आप अच्छे से समझिएगा ठीक है। तो चलिए 1100 तक तो हमने देखा, 1100 से 400 तक ये प्रोसेस चलती रही, वोल्केनो फटते रहे, डीगैसिंग होती रही, और ऑक्सीजन बढ़ता रहा, कौन कर रहा था, फाइटोप्लैंक्टन कर रहे थे, कौन कर रहा था, एस्ट्रोमेटोलाइट्स कर रहे थे, ये सब ऑक्सीजन का बूस्टिंग कर रहे थे, और समुद्र में भी लगातार स्पीसीज बढ़ते चले जा रहे थे, बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता रहा था। और इसके जस्ट कुछ अभी हम देखेंगे तो हमारे कॉम्प्लेक्स भी, जो हमारे जीव थे वो भी बनना शुरू हो गए। तो हम बात कर रहे थे कनाडियन एवं फेनो स्कैंडियन शील्ड की, किस युग में, आर्कियन युग में, फिर से ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको पॉइंट बना के बता रहा हूं कि आद्य महाकल्प के अगर हम आर्कियन युग की बात करें तो मेन क्या रहा इसमें, क्योंकि सैलों में जीवाश्मों का अभाव रहा, सोना और लोहा रहा, और कैनेडियन और फेनो स्कैंडियन शील्ड बने। कैनेडियन शील्ड मतलब कैनेडा, अगर आप विश्व मैप को देखो साथ में, आप अभी तो ये दो क्लास इंट्रो ही चल रही है, लेकिन जैसे ही आगे करेंगे तो हम मैपिंग पे भी अच्छे से ध्यान देंगे, और छोटी छोटी वीडियो में भी मैं आपकी मैपिंग अलग से देता रहूंगा, अलग से क्लास, एक छोटी सी क्लास लूंगा, लेकिन बाकी मैक्सिमम मैं आपको फ्री क्लासेस जो प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आपकी मैपिंग में अच्छा करवाता रहूंगा। तो कनाडियन शील्ड क्या हो रहा था आप समझिएगा, क्योंकि शील्ड कैसे बन रही है, शील्ड मतलब कोई चीज आपको रोक रही है ना, आपका प्रोटेक्शन कर रही है। वोल्केनो आपके फट रहे थे, तो वोल्केनो जो मैग्मा निकल रहा था, जो अंदर से लावा निकल रहा था, वो निकलने के बाद ठंडा हो रहा था, और ठंडा हो रहा था तो वो पत्थर का रूप बन रहा था, और वो बहुत ही मोटे मोटे परतदार पत्थर का रूप, किस एरिया में, ये आप ऐसे समझो, ये पूरा ये जो एरिया था, ये जो कनाडा का ये वाला पोर्शन था, इसमें ऐसे आपका जो हुआ ये हमारा कैनेडियन बना ठीक है ना। और ऐसे ही इसके कैनेडियन यहाँ पे भी है ना, आप इसे आप अच्छे से देखो तो ये स्वेडन नॉर्वे, स्वेडन नॉर्वे को ज्यादा मोटा हो जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं, स्वेडन और जो नॉर्वे वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में आप यहाँ पे देखो, इस वाले पार्ट में भी ये हलचल हो रही थी, ये मूवमेंट हो रहा था, अभी आज ही है, ये उस समय यहीं पे नहीं था, इस बात को भी हम अच्छे से समझेंगे कि ये मूवमेंट कैसे हुआ, सब कुछ कैसे हुआ, उस समय एक साथ ये नहीं था। तो जब ये आपस में मूव कर रहे थे, ये दो मेजर जो उस समय हो रहा था, किसमें हो रहा था, आद्य महाकल्प के हमारे आर्कियन युग में हो रहा था, इस बात को आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। मैं अभी यहां पे दिखाता हूं, ये जो आपका है, ये आपका कनाडा, ये जो बाउंड्री है, ये जो नीले वाले पोर्शन से मैं दिखा रहा हूँ, नीला वाला जो बैगनी वाला पोर्शन है, पर्पल वाला, ये आपकी कैनेडियन शील्ड को दिखा रही है। ये किस युग में बना, फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैनेडियन शील्ड का निर्माण कब, किस युग में हुआ, तो किस युग में हुआ, जब आप पढ़े रहोगे कि सर ने आर्कियन युग में बताया था, आर्कियन युग एकदम शुरुआत हो रहा था, 800 से 700 मिलियन ईयर एगो की पहले की बात थी, उस युग में क्या हुआ, कैनेडियन शील्ड बना, और स्कैंडिनेविया का भी जो निर्माण हुआ ये भी कहां पे हुआ, इसी में हुआ, ये आप स्कैंडिनेविया ये आप अच्छे से देख सकते हो, यहीं पे आपका पोलैंड वगैरह, स्वीडन वगैरह, ये आज जो मौजूद है, इस समय के भी जो चट्टानों का निर्माण हो रहा था आर्कियन युग में हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या हुआ। अब एक जो मेजर यहां पे मैं आपको बता दूं कि
क्या हुआ इस युग के बाद, जैसे जैसे अभी आप देखोगे सॉरी जैसे देखो कि 800 से 700 मिलियन एक आपका जो 100 मिलियन ईयर है वो का आर्कियन युग माना गया, ठीक है ना, जैसे आपके साइंटिस्ट वगैरह भूगोल वेत्ता आपके मानते हैं। लेकिन ये प्रोसेस तो कंटिन्यू थी, ऐसा नहीं कि चीजें हुई और रुक गई, ऐसा नहीं, चीजें कंटिन्यू चल रही थी और चल रही थी। तो मैंने क्या बोला कि चीजें मूव कर रही थी, क्या मूव कर रहा था, कॉन्टिनेंट मूव कर रहा था, कॉन्टिनेंट मूव कर रहा था। तो मैं ऐसे समझू कि कुछ एक जमीन का टुकड़ा ये है और कुछ जमीन का टुकड़ा ये है, ये आपस में दूर जा रहे थे, इन्हीं के बीच में से ही यहां से फटना शुरू हुआ और ये फटके दोनों अलग होने लगे, ये कुछ ऐसा, ये अलग हो गया और ये ऐसे अलग हो गया, ये दोनों फटे और दोनों अलग हो गए। और इनके अलग होने के कारण बहुत सारी मिट्टियां समुद्र में गिरी, जो हमें आगे चल के हम भूसन्नति में पढ़ेंगे इन सब चीजों को, इसमें मिट्टियां गिरी और नए सारे रॉक्स निकल के आए, नए चट्टान निकल के आए। इन नए चट्टान की खासियत क्या थी, इस बात को हम समझेंगे। नए चट्टान की खासियत ये थी कि जो आपके वोल्केनो से प्रोसेस सब साथ में चल रहा है, यहाँ पे डिगैसिंग हो रही है, ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, अभी आपका एटमॉस्फेयर भी बना हुआ है, क्यों, क्योंकि सोलर विंड नहीं है, इस बात को समझिएगा, सोलर विंड नहीं है तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर बना हुआ है और एटमॉस्फेयर पे यहाँ पे CO2 इकट्ठा हो रहा है, तो कंडेंस होकर पानी के साथ इन चट्टानों पे गिर रहा है। और इन चट्टानों में एक प्रॉपर्टी थी कि इन्होंने क्या किया, CO2 को सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और जब ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, क्यों, क्योंकि ये चट्टानें फ्रेश निकली, कैसे निकली, ये जो पत्थर अलग हुए तो इनके नए चट्टान निकल के आएंगे ना। इन्होंने ऐसे हर जगह हो रहा था, पूरे पृथ्वी पे ये हो रहा था पूरा प्रोसेस। और इसके चलते क्या हुआ कि इतनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की इन्होंने सोखा, इतनी मात्रा में सोखा कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई। दो प्रोसेस हो रहा था, क्या, एक तो आपके एस्ट्रोमेटोलाइट्स है ना, क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन बना रहे थे। दूसरा फाइटोप्लैंक्टन्स, इस बात को समझिएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स भी क्या कर रहे थे, आपके ऑक्सीजन बनाते, बना किससे रहे थे, CO2 से बना रहे थे, तो CO2 यहाँ पे भी तो कम हो रहा था। तीसरा प्रोसेस और आ गया, चट्टान भी CO2 को खाने लगा, तो अल्टीमेटली सब एक के ही पीछे पड़े जाओगे तो उसका तो विनाश होगा ही होगा ना। और ऐसा आया एक समय कि हमारे पूरे पृथ्वी पे CO2 खत्म हो गया, CO2 इतना मिनिमम हो गया कि ऊपर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं रह गया। अगर CO2 नहीं रहेगा तो आप इस बात को समझिए कि क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। CO2 से ग्लोबल वार्मिंग होता है ना, CO2 रहता है, जितना CO2 बढ़ेगा उतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। अगर CO2 नहीं है तो एटमॉस्फेयर को कोई रोकेगा ही नहीं, और जिसके कारण जो सूर्य की ऊष्मा आ रही थी वो वापस जाने लगी रिफ्लेक्ट होके, कोई यहां पे रोकने वाला नहीं था। ये आप एनवायरमेंट में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, है ना, ठीक। अब अगर आप समझिएगा कि यहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, रेडिएशन नहीं रुक रहा है, तो होगा क्या, होगा ये कि ये पृथ्वी आपकी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाएगी। एक बैग जो आपका इस समय अगर 800 से 700 साल मिलियन ईयर होगा की बात करें तो पृथ्वी का टेम्परेचर 105 से 120 डिग्री सेल्सियस था और अचानक से ये -60 डिग्री सेल्सियस हो गया, जितना वाटर वेपर था, जितना ओशन था, सब बर्फ में बदल गया। और बर्फ की 10-10 हजार फीट ऊंची जो परत की चादर, मतलब पता नहीं कितने माउंटेन से बड़ी, आप इस बात को समझिएगा, उतनी ऊंची बर्फ की चादर पूरे पृथ्वी को ढक ली और पृथ्वी जो हमारा कभी आग का गोला हुआ करता था वो क्या हो गया, बर्फ का गोला बन गया पूरे पृथ्वी। आप इसकी इमेज को इमेज से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना, ये कुछ ऐसा एकदम पृथ्वी हमारा बर्फ का गोला बन गया। अब समझिएगा, समुद्र में जीव पनप रहे हैं, उनकी लाइफ प्रोसेसिंग चल रही है, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, एस्ट्रोमेटोलाइट्स हैं, लेकिन ऊपर बर्फ की चादर 10-10 हजार फीट रही है, कौन सर्वाइव करेगा, इवन बैक्टीरिया भी नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। और ऐसा चल के देखा गया तो बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो गई। किस युग में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये हमारा 800 से 700 मिलियन ईयर के बाद की बात है, उस समय की बात है, कब की, आर्कियन युग के बाद की बात है। आर्कियन युग में आप समझिएगा,
बर्फ जम गया, इससे एक प्रोसेस और भी बहुत ज्यादा हुआ कि जो सन की सन में अल्ट्रा वायलेट रेज थे, एक बात समझिएगा यहाँ पे, ओजोन नहीं है, क्या ओजोन नहीं है अभी, ओजोन का फॉर्मेशन में अभी आपको समझाऊंगा कि ओजोन कैसे आया, ओजोन नहीं है तो अल्ट्रा वायलेट रेज को कौन रोकेगा, ओजोन ही तो रोकता है, कोई नहीं रोक रहा था। अल्ट्रा वायलेट रेज सूर्य से डायरेक्ट आके पृथ्वी पे गिर रही थी और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ पे बर्फ से रिएक्शन करके ऑक्सीजन का लेवल ये और बढ़ा रही थी, ऑक्सीजन का लेवल और बढ़ा रही थी और ऐसे 15 मिलियन तक ये आइस लगभग ऐसे रहा, जिसके बाद ये मेल्ट होना शुरू किया। अब मेल्ट कैसे होगा भाई, मेल्ट होने के लिए टेम्परेचर चाहिए, लेकिन टेम्परेचर तो था ही नहीं क्योंकि पूरी पृथ्वी चादर बन गई थी, किसकी, बर्फ की। लेकिन भले ही ऊपर चादर बन गई थी, पृथ्वी की वो जो अनंत शक्ति थी, वो जो आंतरिक ऊष्मा थी, जो अंदर मेंटल था, जो लावा धधक रहा था, वो फिर से बस्ट होना शुरू किया, फिर से धधकना शुरू किया और जगह जगह पे आपकी जो ज्वालामुखी थी वो फिर से फटना शुरू की। और जैसे ज्वालामुखी फटना शुरू की, ये 10-10 हज़ार या 50-50 हज़ार फीट का भी कोई चादर है तो उससे फाड़ के निकल जाती, जब इतने मोटे पृथ्वी को फाड़ के निकल जाती है तो ये बर्फ की चादर क्या थी। और फिर से डिगैसिंग हुआ, फिर से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आया, फिर से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो ये बर्फ गली, कितने बाद गली, 15 मिलियन साल बाद ये बर्फ गलना शुरू हो गई। फिर से जो हमारी पृथ्वी थी वो एक अपना वो रूप फिर से ले ली, नीली पृथ्वी हमारी फिर से बन गई, उसमें लाइफ प्रोसेस एक बार फिर से चल बैठी और फिर से हमारा ये प्रोसेस होने लगा। ठीक है, इतनी बात तो ये बात हमें समझ में आ गई कि कैसे हमारा पृथ्वी फिर से एक जन सामान्य स्थिति में आ गया, फिर से हमारे उसमें लाइफ प्रोसेस स्टार्ट हो गई। इसमें एक चीज बहुत ही मेजर और भी हो रहा था, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन था। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन क्यों हो रहा था, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेज इसके वाटर मॉलिक्यूल से टकरा के हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहे थे, जिसका फॉर्मूला होता है H2O2। H2O2 होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, और ये और ऑक्सीजन रिच होता है जो आगे चल के ऑक्सीजन फिर से दिया। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो अगर हम फिर से इसी एरा महाकल्प की बात करें, आद्य महाकल्प में ही है, लेकिन अभी हम 700 से 600 मिलियन ईयर एगो की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं एकदम, और ऊपर की तरफ बढ़ते आएंगे, ठीक है ना, ये आपका चार्ट है, नीचे से आएंगे। तो आद्य महाकल्प का हम दो स्ट्रक्चर आराम से देख रहे हैं। आद्य महाकल्प में कौन कौन सा, एक हमारा आर्कियन हुआ और दूसरा हमारा प्रीकैम्बियन हुआ। बात को समझिएगा, हमारा आद्य महाकल्प आया या जो एरा आया है ना, जो सबसे पुराना, उसके हमारे है ना आद्य महाकल्प में, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसके दो हमारे, एक आया कौन, आर्कियन है, जिसे आर्कियन युग भी आप बोलते हो, और दूसरा आया क्या, प्री क्रैम्बियन है, प्री क्रैम्बियन। ये दो युग आए, दोनों पहले आर्कियन युग में हमने देख लिया क्या हुआ, 800 से 700 मिलियन ईयर एगो की बात करते हैं ये, और 700 से 600 मिलियन ईयर एगो की बात हम करते हैं, कहाँ पे, इसमें करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं, अभी हम फिर से प्रीकैम्बियन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीकैम्बियन में क्या हुआ, मेनली जो आपकी अरावली जो पहाड़ियाँ हैं और धारवाल के जो क्रम हैं वो क्या है, प्रीकैम्बियन युग की ही है, सॉरी प्रीकैम्बियन युग की ही हमारी जो चट्टाने हैं, अरावली जो आपके पर्वत हैं, ये इसी समय बन रही थी। देखिए मैंने क्या बोला था, इस वाले पहले युग में क्या हो रहा था, कैलिडोनियन शील्ड बन रहा था, है ना, कनाडा की शील्ड बन रही थी, स्कैंडिनेविया का बन रहा था शील्ड, और यहाँ पे उसी समय प्रोसेस साथ में चल रहा था, कहीं पे कुछ हो रहा था, क्योंकि पूरी पृथ्वी तो एकदम चल रही थी, पूरे कॉन्टिनेंट शिफ्ट हो रहे थे, तो उस समय अरावली और धारवाड़ का भी निर्माण होता, किससे हो रहा था, वोल्केनो, सिंपल प्रोसेस, कहीं पे वोल्केनो निकल रहे थे, कहीं पे थ्रस्टिंग हो रही थी, कहीं पे भंसन हो रहा था, ये सारी बातें हम आगे फिजिकल ज्योग्राफी में अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी आप इस बात को समझिए। और इसी समय रीढ़ विहीन जीव का उत्पत्ति हुआ और कॉम्प्लेक्स लाइफ हमारी शुरू हो गई, यहीं से मल्टी सेलुलर बैक्टीरिया वगैरह, रूढ़ विहीन जीव वगैरह, सब कुछ यहाँ से हमारे उत्पन्न होना शुरू हो गए। बात समझ में आ गई, कौन सी युग की बात कर रहा हूँ, प्रीकैम्बियन युग की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं, हमारा जो दूसरा युग हुआ वो कौन सा, पैलियोजॉइक, जो हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखा था, पैलियोजॉइक जो किताब में लिखा होता है, पैलियोजॉइक में भी हम क्या देखेंगे, 600 से 500 मिलियन ईयर एगो की बात करें तो कैम्ब्रियन युग हुआ। किताबों में एनसीईआरटी वगैरह में आपको 570 मिलेगा, 570 मिलेगा,
है ना, 570 मिलियन ईयर में मिलेगा, लेकिन मैं 600 से ही यहाँ पे लिख दिया हूँ, लगभग सेम ही है, कहीं पे कुछ मिलेगा कहीं पे कुछ मिलेगा, जो भी आपको है ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कुछ गलत नहीं है। हाँ, तो कैम्ब्रियन युग की शुरुआत हो गई। कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ, मेन क्या है, औसादी सेलों का निर्माण हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स औसादी सेल इसी में बने। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनेंगे, हम रॉक के फॉर्मेशन में देखेंगे कि जब हमारे लावा निकले है ना, ये हमारा वोल्केनो फटा, वोल्केनो से मैग्मा निकला, मैग्मा यहाँ पे जाके इकट्ठा हुआ, ये मैग्मा इकट्ठा हुआ, ये हमारे इग्नियस रॉक निकले, और इसमें फिजिकल प्रोसेस हुआ, सूर्य की रोशनी पड़ी, प्रेशर पड़ा, तो इनमें सेडिमेंटेशन हुआ है ना, ये धूल की तरह बनने लगे, और इसी समय में ये कब हो रहा था, ये हमारा कैम्ब्रियन युग में हो रहा था, जो 570 या 600 से 500 मिलियन ईयर एगो की बात करेंगे। कैम्ब्रियन से पूर्व, इसी को कैम्ब्रियन ये बोला गया, और उससे पूर्व की बात वो कर रहे थे हम लोग। अब इसी समय आपके जो भारत में विंध्य पर्वत श्रृंखला है, विंध्य पर्वत श्रृंखला कहां पे, हमने देखा था, ये अगर आपका पेनिनसुलर इंडिया है तो ये आपका विंध्य और ये आपका सतपुड़ा, तो विंध्य और ये जो धारवाड़ की क्रम थी, ये सतपुड़ा वगैरह, ये किस समय बन रहे थे, ये आपके इसमें पूरा जीवी महाकल्प के पैलियोजोइक के कैम्ब्रियन युग में बन रहे थे। इस बात को आप बहुत अच्छे से रखो। प्री कैम्ब्रियन में क्या बना, प्री कैम्ब्रियन में अगर ये हमारा पेनिनसुला है, तो ये अरावली पर्वत, ये जो अरावली की श्रेणियां हैं, जहां पे आपके आधी दिल्ली बसी है और आपका गुजरात के पार्ट तक जो पूरा एक्सटेंशन है, वो रीजन आपका अरावली रीजन है, वह आपका प्री कैम्ब्रियन में, और विंध्य और आपका कौन सा धारवाड़ सतपुड़ा, ये सब किस में है, कैम्ब्रियन है। तो सबसे पहले आप ऐसे भी भारत के नक्शे से, हालांकि ये जब मैं इंडिया पढ़ाऊंगा तो मैं अभी इसको अलग स्ट्रक्चर में दे रहा हूँ, तो ये आपका क्या है, ये आपका सबसे पहले जो ऊपर आया है वो अरावली आया है, ये आपका विंध्या है, ये आपका सतपुड़ा है, तो आप समझिएगा सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे भी आप स्ट्रक्चर याद रख सकते हो, बस मेमोरी, जस्ट मेमोरी कोई दिमाग में रखने के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इसी समय प्रिमिटिव बैक्टीरिया इमेज्ड हुए, मतलब जो पुराने बैक्टीरिया थे बहुत सारा इनके वो हुआ, और कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन क्या है, आप समझिएगा, ऑक्सीजन लेवल कहाँ पे, समुद्र में इतना ज़्यादा बढ़ गया था, फूड के न्यूट्रिएंट्स इतना ज़्यादा बढ़ रहे थे, कौन बढ़ा था, एस्ट्रोमेटोलाइट्स और हमारे फाइटोप्लैंक्टन जो बढ़ा रहे थे ऑक्सीजन और फूड को लगातार, उनके कारण इस युग में इतने ज़बरदस्त तरीके से स्पेसीज बढ़े, दोबारा से इतने ज़बरदस्त तरीके से नए नए जीव उत्पत्ति हुए। डिकिन्सोनिया नाम का एक बना, जो मैं आपको यहाँ पे फिगर्स दिखाता हूँ, ये आपके फॉसिल्स में बने हैं, ये डिकिन्सोनिया, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है डिकिन्सोनिया, है ना। ऐसे आपके जीव जो पानी में ही तैर रहे थे सीप के भांति, वहां पे जो पेड़ पौधे मॉसेस है ना, जो फर्न्स, ये सब बनना शुरू हो गए थे, इन सब की उत्पत्ति हो गई थी, किस युग में शुरू हो गई थी, कैम्ब्रियन युग में ही इसकी उत्पत्ति शुरू हो गई थी। इसके साथ ही ये हमारा एक जीव आप देख रहे हो, बहुत ही खतरनाक जीव था, ये पहला ऐसा जीव था जो शायद मांसाहारी भी बोल सकते हो, समुद्र में ही था, और इसकी ये थी कि जो ये आपके थे लेकिन सोनिया, इन्हें माइक्रोडिक्सन भी उसे बोलते हैं, है ना, तो इन्हें इनका भक्षण वो कर रहे थे, इनको वो खाने लगे थे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया है ना, जिसे आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो, एनामोला कैरिस, ये एनामोला कैरिस, इसको मैं यहीं से दिखाता हूँ, इसे क्या बोला गया, एनामोला कैरिस बोला गया, हालांकि ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, थोड़ा देखने में मजा आता है आप लोग को, इसलिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो अभी आपको दिख रहा है अच्छे से, चलो मैं नीचे करके दिखा रहा हूं, दो मिनट में, एक सेकंड में, बस अभी दिख रहा है, ये कुछ ऐसा था यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, एकदम ये इसका माउथ होता था, और ये एकदम उड़ते हुए आते थे, और इनको एकदम झपटते थे, और झपट के सीधा वो खा लेते थे, तो पहला मांसाहारी बोल सकते हैं ऐसा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, तो इससे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में क्या हुआ कि बहुत सारे जीव जो हुए वो क्या हुए, इसमें इकट्ठा होना शुरू हो गए। बात समझ में आ गई, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, बहुत सारी स्पीसीज इसमें आ गए। चलिए इसके बाद आते हैं, इसके बाद जो हमारा है ऑर्डोविसियन आया, किसमें, पैलियोजोइक एरा में ही है, हम अभी ट्री स्ट्रक्चर से भी देखेंगे कौन कौन सा हो गया हमारा, है ना, देख लेते हैं,
कैम्ब्रियन को अच्छे से हमने देखा कि प्री कैम्ब्रियन तो उसमें था है ना, इसमें कैम्ब्रियन देखे, और कैम्ब्रियन के बाद ये जो हमारा कैम्ब्रियन के बाद ऑर्डोविसियन, ऑर्डोविसियन जो हमारा एरा आया उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें मेजर जो था वो क्या था, एल्गी फ्रॉम वाटर टू ग्राउंड। इसमें जो समुद्र में फर्न्स मॉसेस एल्गी थे वो समुद्र से हटके अभी ग्राउंड पे आ गए थे, थल पे आ गए थे, और इसी काल में सबसे पहले मछली का भी जो उत्पत्ति पाई जाती है किसमें, ऑर्डोविसियन में। किसने कितने बीच में थी, 500 से 440 के बीच में था, इस बात को आप ध्यान में रखना है। इंसेक्ट्स इसी में अपीयर हुए, कीड़े मकोड़े इसी में आना शुरू हुए, और इस समय जो आप अगर ओरोजेनी पे देखो, ओरोजेनी मतलब होता है पर्वत का निर्माण, पर्वत का निर्माण इसे बोलते हैं ओरोजेनी। तो टैकोनियन ओरिजिनी ये हो रहा था, टैकोनियन ओरिजिनी अमेरिका में हो रहा था, इस समय जो आपके एंडीज रॉकी ये सब पर्वत है उन सबका फॉर्मेशन टैकोनियन ओरिजिनी के अंदर हो रहा था। और इसमें एक सबसे बड़ी बात और क्या हो रही थी, गोंडवाना फॉर्मेशन हो रहा था, जो बहुत ही आपके इंडियन के लिए तो बहुत ज़्यादा, इंडियन ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, प्लस पूरे विश्व भूगोल में भी बहुत बार हम इस गोंडवाना को लेके बहुत ही रोचक चीज़ें और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों चीजों को मैं आपको थोड़ा एनिमेशन के माध्यम से दिखाऊंगा कि टैकोनियन ओरोजेनी क्या होता है, कि कैसे अपना निर्माण हुआ था। जब भी कोई चीज दो जो होती हैं प्लेटें आपस में पास आके जब टकराती हैं तो इनके कारण पहले तो यहाँ पे भ्रंश होते हैं, क्योंकि उनकी मिट्टियाँ वहाँ पे जमा हो रही होती हैं, अवसाद जमा हो रहे होते हैं, यहाँ पे समुद्र है। आप समझिएगा कि ये बीच में आपका, ये बीच में आपका समुद्र है और इसकी जो मिट्टियां हैं ये समुद्र में जाके जमा हो रहे हैं, और ये प्लेट आप पे मूव कर रहे हैं, प्लेट मूव करेंगे तो इन पे प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो ये आपस में उठना शुरू कर देंगे और ये फोल्ड की तरह ऐसे उठ जाएंगे, तो जिनके कारण फोल्डेड माउंटेन्स बने। तो ये कहाँ पे हो रहा था, टैकोनियन ओरिजिनी अमेरिका के उस पर होता है, और साथ में ये केवल अमेरिका में नहीं, आपके जितने भी हैं ये पूरी पृथ्वी है, आपने देखा रोडिनिया बना, ये आपके इधर कॉन्टिनेंट अलग मूव कर रहे थे, ये कॉन्टिनेंट अलग मूव कर रहे थे, यहाँ पे अलग मूव कर रहे थे, पूरा गोंडवाना जाके अटलांटिक में आपका बस रहा था। इस बात को हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टैकोनियन मूवमेंट है हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें टैकोनियन की, तो आप इस फिगर में मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे कि ये जो आपका ऊपरी है ना नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ये जो आपके पार्ट है आप देख रहे हो आइलैंड वाले पार्ट, ये आपस में दोनों तरफ से आके इसमें नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट में मूव कर रहे थे, और ये सारी प्लेटें आपस में अलग अलग हो रही थी। इनका जमीन क्योंकि भाई पास में आ रही है तो इनके जो समुद्र का लेवल भी बढ़ता था और जमीनें कम हो जाती थी, समुद्र नीचे जाता था जमीनों का लेवल बढ़ जाता था, और आपस में ये जैसे मरते गए, तो आप यहाँ पे इस प्रोसेस को देख पा रहे होंगे कि ये आपका जब मुड़ रहा है तो ये आपका पर्वत का निर्माण लगातार हो पा रहा है, और यही आपके आगे चल के कोई एंडीज रॉकीज और ऐसे चल के अल्पेशियन ये जो हमारे कम बने ये इन्हीं के चलते बने। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये मूवमेंट क्या कह रहा है, ट्रैकियन ओरिजिनी, क्योंकि यहां पे टैकोनियन अमेरिका में आपके पर्वत बन रहे थे ओरिजिनी से, आप ऐसे समझ सकते हो। हम गोंडवाना मूवमेंट की बात की तो गोंडवाना मूवमेंट को एक बार अच्छे से देखते हैं कि गोंडवाना मूवमेंट क्या है, है ना, जब हम इसे अच्छे से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से इन चीजों को समझ में आएगा। तो गोंडवाना मूवमेंट बेसिकली जो आपके प्लेट्स हैं, प्लेट्स का ही मूवमेंट को, और जाके अभी आप देखो कि एक हमारा रोडिना बना, लेकिन ये अभी 500 मिलियन ईयरों की बात कर रहे हैं, रोडिना फिर से टूटा, सबसे बिखरे, और बिखरने के बाद एक समय ऐसा हुआ कि जितने भी ये आपके कॉन्टिनेंट हुए एक साथ आके एक पार्ट आपका अटलांटिक में पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पे जाके इकट्ठा हो गए, और आपके जो आपका आज का यूरोप है या आपका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है वो आके इकट्ठा हो गए और दोनों आके मिले, तो ये आपके जो भूर जैसा स्ट्रक्चर बना ये क्या कहलाया, ये आपका पैंजिया कहलाया। कब, 282 मिलियन ईयर एगो पहले, ठीक है। अब जब ये बात समझ में आ रही होगी, अगर आपको दिख ना रहा हो तो मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अभी मेरे ख्याल से थोड़ा अभी ज्यादा क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो हम ये देख रहे थे कि 320-300 मिलियन एगो जब पेंजिया हमारा बन गया, पेंजिया का फॉर्मेशन अच्छे से हो गया, तो
जैसे जैसे समय बीतता गया, ये पैंजिया भी एक नहीं रहा, ये भी हमारे दो टुकड़े में हुए। जो हमारा नीचे का टुकड़ा हुआ वो जाके और शिफ्ट हो गया, और ऊपर जो लॉरेंसिया का टुकड़ा हुआ वो ऊपर जाके एशिया, यूरोप, यूरेशिया और हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बना। साउथ अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिका, हमारा जाके वहां पे मिला। गोंडवाना पार्ट में कौन कौन सा? ऑस्ट्रेलिया का, इंडियन जो हमारा पार्ट रहा, हमारा अफ्रीका का, और साउथ अमेरिका का पार्ट एक रहा। और समय के साथ साथ ये भी गया, और हमारा जो भारत पहले अफ्रीका से था वो जाके एशिया में जाके मिला। और ये भी ओरिजिनी, ये आके आप देखेंगे लास्ट में, एकदम लास्ट में आके ऐसा हुआ। इस बात को आप देखेंगे, मैं इस बात को भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जब हमारा ये जो हमारा भारत है पहले अफ्रीका से टच हुआ था, और ये जाके आपका कहाँ पे? एशिया महाद्वीप से किया। तो यहाँ पे जो हिमालयन ओरिजिनी हुई, यहाँ पे जो हिमालय का निर्माण हुआ, ये हमारे एकदम नवयुग में हमारे जाके हुआ। ठीक है, तो इस बात को हम अच्छे समझेंगे। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद कौन सा युग आया। इसके बाद आया सिलूरियन, है ना। अभी क्या, कैम्ब्रियन देखे, उसके बाद सिलूरियन की हम इसकी बात करते हैं। तो हम इसको प्रोसेस को देखते हैं कि मेनली क्या क्या प्रोसेस हम यहाँ पे देखें। प्री कैम्बियन तो हमारा आद्य महाकल्प में था, प्री कैम्बियन के बाद हमने कैम्ब्रियन देखा, और कैम्ब्रियन के बाद ऑब्लिवेशियन, और ऑब्लिवेशियन के बाद सिलूरियन। ये बैक नहीं जा रहा है, मैं आपको दिखा दूँ। चलिए ये आपका प्री कैम्बियन, और ये वाला जो आपका पार्ट था ये आपका कैम्ब्रियन, और कैम्ब्रियन के बाद आपका कौन सा पार्ट आया? कैम्ब्रियन के बाद ऑर्डोविशियन, और ऑर्डोविशियन के बाद सिलूरियन। तो ये तीन अभी तक हमने देखा। किसमें देख रहे हैं? ये पूरा जीवी में देख रहे हैं, पैलियोजोइक में देख रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दूं ताकि आपके दिमाग में, मैं क्यों करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में ये बनता चला जाए कि आखिर पैलियोजोइक पे थे कौन कौन से, है ना। तो यहाँ पे कैम्ब्रियन है ना, उसके बाद ऑर्डोविशियन, और उसके बाद सिलूरियन। अभी और आएंगे, अभी हमारे परमियन वगैरह भी आएंगे, है ना। सब कुछ यहाँ पे हम अच्छे से देखेंगे। तो अभी हम सिलूरियन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सिलूरियन कब से था? 440 से 400, हमने 800 से 700 में वहां पे शुरुआत किया था, फिर 700 से 600 पे आए, और 600 से फिर हमारा क्या स्टार्ट हुआ? कैम्ब्रियन स्टार्ट हुआ। 600 से 500 पे गए, 500 से 560 के करीब हमारा क्या हुआ? ऑर्डोविशियन हुआ। और हमारा 440 से जो हमारा 400 है वो हमारा क्या आएगा? वो हमारा सिलूरियन आएगा। और इसमें जो सबसे मेजर जो था वो था ओजोन का फॉर्मेशन। ओजोन का फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी घटना थी। ये कैसे हुआ, इस बात को हम समझते हैं कि जब हमारे पृथ्वी पे रेडिएशन पड़ रहे थे, हाइड्रोजन परऑक्साइड आपने देखा कि बहुत ज्यादा उसके मात्रा में हुई, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से ही टूट के और इसमें केमिकल रिएक्शन होके एक ओजोन का फॉर्मेशन हुआ। और जैसे ओजोन का फॉर्मेशन हुआ, ये ऊपर जाके एक लेयर बना लिए, और जो ऊपर लेयर बनाए उसके बाद से ही पृथ्वी का इतिहास एकदम बदल गया। क्या हुआ, इसके बाद से जो हमारी पृथ्वी थी वो अन्य प्राणियों के लिए, अन्य जीवों के लिए एक बहुत ही अच्छा घर बन गई, बहुत ही अच्छा ग्रह बन गई, और बहुत ही सारे स्पेसीज, बहुत ही सारे जीव जंतु यहाँ पे पनपना शुरू कर दिए। किसके? ओजोन फॉर्मेशन के कारण। और इसी समय आपका पिकाया नाम का एक जो समुद्र में, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं अगर जूम करके दिखाऊं, कुछ ऐसा था। पिकाया नाम का सबसे पहला वर्टिब्रेट जिसकी रीढ़ की हड्डी थी, स्पाइंस थे, सबसे पहला आया। और ये ऐसा था कि अपने को खड़ा हो सकता था, खड़ा इन द सेंस मतलब इसका बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रेट हो सकती थी। अभी तक जो होते थे उनमें स्पाइंस नहीं होते थे, बात समझ में आ गई। पहला ऐसा था जो वर्टिब्रेट था। और इसी काल में जो हमारे लैंड मास था, लैंड मास पे वृक्षों का निर्माण हुआ। लैंड मास पे ही इसी काल में वृक्षों का निर्माण हुआ। किस में हुआ? ये हमारा सिलूरियन में हुआ। और वृक्षों का निर्माण हुआ, साथ में ही जो हमारे समुद्र में जीव पनप रहे थे वो भी डेड होते चले गए। डेड भी हुए तो जाके सी बेड पे इकट्ठा भी हुए, और वही चल के आगे क्या बने? कोरल्स बने, है ना, प्रवाल भित्तियां बनी। और इस समय जो सबसे जरूरी था वो क्या हो रहा था? कैलिडोनियन ओरिजिनी हो रहा था। कैलिडोनियन
मैकेडोनियन ओरिजिनी हर जगह अलग अलग माउंटेन्स का निर्माण कर रहे थे और इसी समय आपका अटलांटिक महासागर भी बनना शुरू हो गया था। ठीक है ना, मूवमेंट आप देखें पूरा ओरिजिनी मतलब सारी इधर चल रही है, कुछ अपन निर्माण कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं सक पीरियड में डेवोनियन यानी कि 400 से 350 मिलियन ईयर एगो की बात करें, अभी भी हम किसमें चल रहे हैं, पैलियोजोइक में चल रहे हैं। फिर से मैं आपको बता दूं इसमें पैलियोजोइक में सबसे पहले हमने क्या देखा, कैम्ब्रियन देखा, तो बार बार लिख लो ताकि आपको याद होता चले, है ना। फिर ऑर्डोविसियन देखा, फिर सिलूरियन देखा, है ना, सिलूरियन देखा, और अभी जो चौथा है वो हमारा क्या है, डिवोनियन है। और ये युग भी बहुत ज्यादा जरूरी है किस मामले में, क्योंकि इस युग को फिश युग बोला गया, मत्स्य युग बोला गया, फिश एज बोला गया, क्योंकि मछलियों की सबसे ज्यादा उत्पत्ति सॉरी मछलियों के अलग अलग स्पीसीज और संख्या इसी डिवोनियन युग में हुआ। इसमें देख लेते हैं मेन क्या हुआ, स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, नॉर्थ अमेरिका में जो आपके पर्वत निर्माण हो रहे थे वो इसी युग में सबसे ज्यादा हुए, और कारण आप जान रहे हो ओरिजिनी, है ना, लैंड का मूवमेंट। फिश एज ये कहलाया, और इसी युग में उभयचर आए, एम्फीबियंस आए, जो हमारे समुद्र में भी रह सकते थे और हमारे क्या, हमारे जमीन पे भी रह सकते थे। ट्रीज इसी में और बड़ी हुई, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल तो ज़्यादा लगातार हो ही रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार कम हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ भी कम ही कर रहे थे, वो भी ऑक्सीजन ही बढ़ा रहे थे, हम जैसे वहाँ पे मनुष्य भी नहीं थे जो इंडस्ट्री बढ़ा दे, अपनी गाड़ी दौड़ा दे, फालतू में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड लगातार कम हो रहा था, ऑक्सीजन बढ़ रहा था, और ऑक्सीजन इतना बढ़ रहा था कि ये सब इतने एफिशिएंट हो रहे थे कि जो जीव वगैरह थे, आप आगे पढ़ेंगे जीव वगैरह थे उनकी भी साइज बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो प्लांट्स जो थे ये बहुत ऊंचे ऊंचे होने लगे, 40 फीट तक ऊंचे ये होने लगे थे न्यूट्रिशन के कारण। इसी में कार्बोनिफेरस जैसे जैसे हम आगे चले 350 से 280, अभी भी हम पूरा जीवी में हैं, मैं फिर से बता दूं सबसे पहले कैम्ब्रियन याद एकदम याद होना चाहिए, पांच इसमें हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, और पांचवा क्या है आपका, कार्बोनिफेरस, है ना, अभी छठवां आएगा, परमियन भी आएगा। तो ये पांच अभी तक हमने मेन पढ़ा, कार्बोनिफेरस में क्या क्या हुआ देख ले। इसमें अर्मीनिया ओरिजिनी हो रहा है, अर्मीनिया अभी आप हाल में नाम भी सुने होंगे कि अर्मीनिया पे युद्ध चल रहा है ना, कहां है अर्मीनिया, आप जाके मैप पे देखना इस चीज को, है ना, अर्मीनिया को ढूंढना, अर्मीनियन ओरिजिनी भी हो रही थी, और यहीं पे काकेसस जैसे जो पर्वत थे इन्हीं का फॉर्मेशन इस समय शुरुआत था। रेप्टाइल्स की उत्पत्ति हुई, अभी अभी हमने देखा कि जस्ट इससे पहले डेवोनियन में क्या हुए, डेवोनियन में एम्फीबियंस पैदा होना शुरू हो गए थे, और उसी फेज को हम क्योंकि कॉन्टिन्यूस फेज है ना यार, ये रुका थोड़ी ना है, तो वहां पे सबसे पहले ये आपको एक जीव दिख रहा होगा, ये जीव पानी से सर निकाल के बाहर देखा तो इसे कुछ ज्यादा अच्छा महसूस हुआ, इसे समुद्र से पृथ्वी ज्यादा, समुद्र से जमीन ज्यादा भाग गई, उसे ज्यादा प्यार हो गया और उसे त्याग दिया, और फिर कहां पे आ गई, लैंड पे आ गई। अब कोई जीव, ये सबसे पहला युग था, सबसे पहला युग कौन सा था, कार्बोनिफेरस था, जिस समय कोई रेप्टाइल जो है, रेप्टाइल्स है, और कोई समुद्री जीव पृथ्वी पे आया था, लैंड पे, पृथ्वी पे नहीं लैंड पे आया था, इस युग में आया था, और पेड़ लगातार बढ़ते जा रहे थे, इस बार ये कितने हो गए, 100 फीट के हो गए, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ध्यान रखना ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ये हमारे इतनी आप अच्छे से अगर बात को समझ पाओ। इसके बाद हमारा परमियन युग आया, फिर से छठवां परमियन, तो यही पे मैं लिख दे रहा हूं हमारा छठवां क्या है, परमियन युग है, किसमें ये सब हमारे किस महाकल्प के हैं, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक या पूरा जीवी, है ना, पैलियोजोइक महाकल्प की बात कर रहा हूं। इसमें छह आपके पीरियड अलग अलग हैं, और उन छह पीरियड में पहला कार्बोनिफेरस, दूसरा हमारा ऑर्डोविशियन, तीसरा हमारा सिलूरियन, चौथा हमारा डिवोनियन, पांचवा हमारा कार्बोनिफेरस, और छठवां हमारा परमियन, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखते चलो। और इसके बाद
परमियन में हम देख लें मेन क्या हुआ, रेप्टाइल्स का डोमिनेट्स हो गए, क्योंकि भैया जब उन्हें पृथ्वी लैंडमास भाग गया, उन्हें मैदान भाग गया, उन्हें जमीन भाग गई, तो अब वहां पे वो ग्रो करना शुरू कर दिए और यहीं पे सबसे पहली बार ड्रैगन फ्लाई आया। ड्रैगन फ्लाई जिसके आप पिछवाड़े में वो धागा बांध के उड़ाते हो, ये वही है ना। सोचिए कितने कब से है ये, कब से है। आप सोचिए, आप उसमें मजाक समझ रहे हो, अरे आपके दादा परदादा हैं वो, उनके साथ मजाक मत किया करो। परमियन युग के हैं, आज के 280 मिलियन साल पहले के हैं ये। ग्रास हॉपर्स जैसे आप बोलते हो, ड्रैगन फ्लाई जैसे बोलते हो, टेट्रापॉड्स है। टेट्रापॉड्स क्या हुए, मैं आपको इमेज से दिखा देता हूं कि ऐसे रेप्टाइल्स जिनके चार पांव थे, टेट्रापॉड्स मतलब चार पांव वाले, जो पेड़ों पर भी चल पा रहे थे। इसकी शायद क्लियर इमेज नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। ये है क्लियर इमेज, नहीं क्लियर इमेज दिखाता हूं, ये है, ये आपके ड्रैगन फ्लाई। ये आप अच्छे से देख पाओ, ज्यादा डिजिटलाइज्ड इमेज देखोगे ज्यादा मजा आएगा, है ना। पीछे आप यहाँ पे धागा बांधते हो और धागा बांध के आप उड़ाते हो, हर बच्चा करता है मुझे मालूम है, है ना। ये वही है ड्रैगन फ्लाई जिसके साथ आप मजाक करते रहते हो। दूसरी चीज, ये टेट्रापॉड्स है, इसे आप अगर अच्छे से देख पा रहे होगे, ये टेट्रापॉड्स है, चार पैर वाले, है ना, चार पैर वाले। ये इनकी खासियत क्या थी, पैर क्यों, क्योंकि रेप्टाइल्स में ना, अब ये समुद्र से जमीन में चले गए, जमीन में चले गए तो अपने आप में और अडेप्ट कर ले, अडेप्ट भाई परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये बात तो समझते हो। वो रेंगने में ज्यादा सहज नहीं, में पैर होता तो ज्यादा मजा आता, तो अपने अंदर पैर डेवलप कर लिए। कितने पैर डेवलप किए, चार पैर डेवलप किए, और पानी में भी रह रहे थे, जमीन में भी रह रहे थे, उनकी तो मौज ही मौज थी। अब जो ज्यादा अडेप्टेबल हो जाएगा, जो किसी भी कंडीशन में जी जाएगा, बल्ले बल्ले भी तो उसी की होगी। और यही कारण था कि इस युग में रेप्टाइल्स सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स किसमें बढ़े, परमियन युग में हुए। परमियन युग या ध्यान रखना, परमियन युग मेनली किसके लिए जाना जा रहा है, रेप्टाइल्स के मौजूदगी के लिए जाना, बहुत ज्यादा रेप्टाइल्स हुए। और इसके बाद की कहानी तो और भी विचित्र है, इस बात को आप समझिएगा। लेकिन उससे पहले समझिए कि इसमें कुछ घटना और क्या है, कि वर्सियन ओरोजनी हो रहा था। वर्सियन ओरोजनी आज जहां पे यूरोप है, ये अगर आप इसे इसी इमेज में दिखाता हूं मैं शायद हो, हां ये पहले जब आपका ये रोडिना था, ये आपस में मिले हुए थे, तो ये वाला पार्ट आपका यूरोप था, और यहाँ पे भी आपका पर्वत निर्माण का काम हो रहा था। तो ये आपका जो ओरोजनी थी, है ना, ये आपकी वर्सियन ओरोजनी कहलाई, ये वर्सियन हलचल कहलाया। और इसी के समय ब्लैक फॉरेस्ट, वेस्टजेस, अल्ताई, तियनसान, अल्पेसियन, इसी समय आपके पर्वत का भी निर्माण हो रहा था। और एक सबसे बड़ी बात और हो रही थी, वो क्या हो रहा था, पोटास का, पोटेशियम का भंडार हो रहा था। कहाँ पे, समुद्र के तल पे। तो ये बात आपने समझ ली, किसमें हो रहा था, परमियन, सबसे छठा वाला, किसका, पूरा जीवी महाकल्प का, पैलियोजोइक महाकल्प का। अगला महाकल्प देखते हैं जो है मीसोजोइक या मध्यजीवी बोलते हैं, और इसमें जो तीन मैंने आपको बताया था कौन कौन से, ट्रियासिक जब सबसे पहले डायनासोर आए, जुरासिक जब डायनासोर बहुत ही ज्यादा आतंक मचा दिए, है ना, और उसके बाद फिर आपका क्रिटेशियस जब ये बेचारे खत्म हो गए। तो ये तीन युग आपका डायनासोर के लिए जाना जाता है, फेमस है। ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस किसके हैं, ये सब आपके मीसोजोइक के हैं। तो सबसे पहले हम ट्रियासिक के बारे में पढ़ते हैं, जो 245 से 200 मिलियन ईयर की बात है। इसमें रेप्टाइल्स बिग हुए, बिग होने का कारण क्या था, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। ये इतने बड़े थे कि अपने हॉलीवुड में कई सारी मॉन्स्टर वगैरह की मूवी देखेंगे, बहुत बड़े बड़े, हैरी पॉटर में देखा होगा, हैग्रिड का जो स्पाइडर होता है, जो मकड़ी होती है, कितनी बड़ी सी होती है। तो ऐसे मॉन्स्टर जैसे मकड़ी थे, मॉन्स्टर जैसे बहुत बड़े बड़े कछुए, करीबन नहीं तो 500 फीट, 400 फीट, 200 फीट के इतने बड़े बड़े कछुए, एकदम मॉन्स्टर बोल ही सकते हैं, बहुत बड़े बड़े मेढक की, मतलब आपको तो आप जैसे पूरे गांव को एक बार में निकल जाए, इतने बड़े बड़े होते थे। तो ये पूरे बिग रेप्टाइल्स के, इस समय रेप्टाइल्स सबसे ज्यादा हुए। क्यों, क्योंकि भाई ये ऐसे थे ना कि ये जमीन में भी रह रहे थे, ये समुद्र में भी रह रहे थे, ये पेड़ पत्ते भी खा लेते थे, ये जानवरों को भी मार के खा लेते थे, ये ठंडे में भी रह लेते थे, ये गर्मी में भी रह लेते थे। तो ये सबसे ज्यादा अडेप्टेबल हुए, तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट हुए, और सबसे ज्यादा यही बढ़े। लेकिन प्रकृति का नियम तो है, कंपटीशन भी आया, और इनमें भी अडेप्टेशन आए। जैसे जैसे इनकी भी संख्या बढ़ती चली गई, कंपटीशन बढ़ता चला गया, भोजन के लिए मार चीट पड़ने लगी, और उसी में कुछ ऐसे रेप्टाइल्स डेवलप हुए जो शिकारी कहलाए, शिकारी किलिंग मशीन कहलाए। और ऐसे
स्केलेडोसोस ये सब वगैरह लॉबस्टर्स वगैरह भी ऐसे थे। स्केलेडोसोस अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ये बेसिकली कछुआ की प्रजाति थी और बिच्छू भी बहुत बड़े बड़े इसी में होते थे। लॉबस्टर्स केकड़ा, तैरने वाले जो केकड़े होते थे इसी युग में आए, ट्रियासिक युग में ही आए। इसी समय कोल्स का फॉर्मेशन हुआ। इस समय क्या हुआ एक मेजर मैं आपको बता दूं कि जो आपके ये 100 फीट पेड़ थे इन ये पेड़ आपस में सूखने लगे, क्योंकि भाई सबकी एक उम्र थी, सबकी उम्र थी। प्रकृति ने किसी को अमर नहीं बनाया, आसनी शुरू से किसी को अमर नहीं बनाया। ये पैदा हुए, ये जमे, ये बढ़े, 100 फीट के हुए तो मरना भी तो था और साथ में बढ़ते साथ में मरना था। तो साथ में जब ये डेड हुए तो इनके जो डिके डिकम्पोजिशन था ये अवसाद के रूप में नीचे दब गया और इन पे मिट्टियां दबती चली गई और अंततः प्रेशर अभी 4-5 हजार मीटर केवल मिट्टी किसी पड़ जाए तो कोल में फॉर्मेशन हो जाता है ना, ज्यादा प्रेशर और ज्यादा कोल बन जाता है, फिर पेट्रोलियम बन जाता है, फिर और भी जो चाहो वो बना लो, प्रेशर ज्यादा दे दो। तो ये जब दबते चले गए तो उनके वजह से कोल्स का फॉर्मेशन हुआ। किस युग में हुआ, ट्रियासिक युग में हुआ। तो ध्यान रखना है कि ट्रियासिक युग में ही कोल्स का फॉर्मेशन हुआ था। और सबसे बड़ी बात जो हुई वो क्या हुई, परमियन एक्सटेंशन हुई। परमियन एक्सटेंशन, अब जैसे जैसे ये घड़ी बीत रही थी 245 से शुरुआत हुआ और जैसे जैसे इस युग के अंत की बात करें, हम 200 मिलियन वर्ष पूर्व की बात करें आज से, इन रेप्टाइल्स का भी अंत जरूरी था। पेड़ मर गए तो इन्हें कौन रोक सकता था, प्रकृति से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। मारा कौन, इस बात पे हमें थोड़ा अमल करना है, हमें दिमाग लगाना है, इन्हें मारा कौन। तो मारने वाला कोई और नहीं था, वही अनोखी प्रकृति थी। अंदर का मैग्मा अभी भी जल रहा था, अंदर से पृथ्वी अभी भी उबल रही थी, ऊपर इतनी गतिविधियां हो रही थी, चीजें फल फूल रही थी, यहाँ पे जीव नए नए जीव आ रहे थे, पृथ्वी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। पृथ्वी ने अपना फिर से रूप दिखाया और फिर से लावा फटा, फिर से लैंड मूवमेंट हुआ, फिर से बहुत मैग्मा निकला और मैग्मा के साथ बहुत सारे गैसेस निकले, फिर से बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड निकले, बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड निकला और इसके कारण से पूरे पृथ्वी पे एक बार फिर से धुंध जैसी छा गई। कहाँ पे हो रहा था ये, साइबेरियन, साइबेरियन आप इसे पढ़ोगे, साइबेरियन अगर आप वर्ल्ड मैप में देखो, मैं ऐसे रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, रफ स्ट्रक्चर में ये यहाँ का पोर्शन आपका साइबेरियन स्ट्रक्चर कहलाता है, ये आपका यूरेशिया पार्ट कहलाता है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका अफ्रीका, यहाँ पे आपका इंडिया लगा हुआ है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। मैं एकदम रफ डायग्राम अगर आपको बताऊं तो ये जो साइबेरियन जो रूस वाला पार्ट है, ये जो आपके स्पाइडर वगैरह जो आपके रेप्टाइल्स थे ये यहीं पे ज्यादा विकसित हो रहे थे। और यहाँ पे फिर से क्या हुआ, वोल्केनो फटा, फिर से यहाँ पे ज्वालामुखी फटी और फिर से सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह हुआ। इसकी इतनी गर्माहट थी कि ये बड़े बड़े रेप्टाइल्स जो 100-100 फीट के थे, 70-70, 80-80 फीट के थे, ये बेचारे भी सर्वाइव नहीं कर पाए और अंततः इनकी भी मौत हो गई। लेकिन ये इम्पैक्ट केवल साइबेरियन, तो जो सल्फर यहां से निकल रहा था, जो हमारे यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था और सो कॉल्ड मीथेन जो सबसे ज्यादा गहरीली गैस माना जा सकता है वो निकल रहा था यहां से, ये जाके पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे के पूरे सराउंडिंग में मिल गए। साइबेरियन में ये बात उठी और उसके दूसरे एंड में, दूसरे एंड पे गोंडवाना पे भी इसका असर पड़ा। ये जो हमारी गैस आके जाके हमारे एनवायरनमेंट में मिली और इसमें जाके इस पूरे एनवायरनमेंट को टॉक्सिक बना दिया, जहरीला बना दिया। और पानी के साथ जब ये दोबारा से पृथ्वी पे गिरे तो जब पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, सारे रेप्टाइल्स यहाँ पे मर गए, पूरा समुद्र आपका गुलाबी पड़ गया, आप समझ सकते हो कि कितना जहरीला रहा होगा ये। और इस मंजर ने पृथ्वी के 95% स्पीसीज को मौत के घाट उतार दिया, इसलिए इसे परमियन एक्सटिंक्शन कहते हैं। हम लोग सुनते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं, हम अपने वैदिक कहानियों में सुनते हैं कि युग बदलता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही था, 95% स्पीसीज यहां पे डेड हो चुके थे। कब की बात है, ट्रियासिक युग की बात हो रही है, अभी आपका शुरुआत हो रहा है, क्योंकि प्रकृति है, नियम बदलेगा, लोग बदलेंगे, यहाँ पे नई जातियां आएंगी, नई प्रजातियां आएंगी। रेप्टाइल्स मर गए तो जो 5% आपकी प्रजातियां बनी उन्होंने अपने आप को कहीं जमीन के अंदर जाकर छुपा लिया, कहीं चट्टानों में छुपा लिया और जैसे जैसे समय बदला उन्होंने अपने आप को अडाप्ट करना शुरू कर दिया। और शायद
इस बार जो नया निकल के आया वो और भी तगड़ा निकल के आया, और भी खूंखार निकल के आया, और भी खतरनाक निकल के आया, और वो युग आ गया जुरासिक का जिसमें डायनासोर की उत्पत्ति हुई। तो ये हाँ, ये सारे डायग्राम तो मैंने आपको दिखा दिया था। चलो, ये तो लॉबस्टर्स वगैरह हैं जो आपके वो थे। फिर हमारा आता है जुरासिक, किस में है? हम मीसोजॉइक में है। मीसोजॉइक का हमने क्या पढ़ लिया है? मीसोजॉइक का हमने ट्रियासिक पढ़ लिया है। ट्रियासिक के बाद हम जुरासिक पढ़ेंगे, और जुरासिक के बाद हम क्रिटेशियस युग पढ़ेंगे। तो जुरासिक जो युग है वो आपका 200 से 144 मिलियन ईयर एगो, मिलियन वर्ष पूर्व की बात करता है, मध्यजीवी कल्प की बात करता है। और ये डायनासोर का एज था, ये पहला ऐसा एज था जो आपको इतने प्यारे प्यारे से जानवर दिए, है ना। ये कहीं ना कहीं छिपकली के ही, रेप्टाइल्स के ही बोल सकते हैं एक ऊपर से उनको आगे चल के बदले। और जो सबसे पहला आया वो एमोसॉस आया। ये वेजिटेरियन था, ऐसा समझिए, ये वेजिटेरियन था, वीगन था, है ना, मांस मछली नहीं खाता था। एमोसॉस जो आए मांसाहारी नहीं था, या ऐसा बोल सकते हैं कैनिबल नहीं था, ये किसी की जान लेके नहीं, पेड़ पत्तों को खाता था। और इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा था कि जो आपके पेड़ पौधे इतने लंबे लंबे थे उनको आराम से ये खा सके, है ना। फिर इसी युग में एक खास है जूरा माउंटेन, जिसके नाम से ही जुरासिक पड़ा है, उसका भी उत्पत्ति इसी में हुआ। और एंजियोस्पर्म यानी कि बीज, जो ऐसे पौधे जिसमें बीज होते हैं, मोनोकॉट डाइकॉट बायोलॉजी में पढ़े होंगे, जिसमें बीज होते हैं, वो ऐसे पौधे सबसे पहले किसमें आए? जुरासिक युग में आए। अभी तो जो प्लांट्स होते थे उनमें पत्तियां लगभग नहीं होती थी, पत्तियां होती थी तो फूल नहीं होते थे, और फूल नहीं होते थे तो वो जो उनकी उत्पत्ति होती थी, एक प्लांट की स्पीसीज एक ही जगह रह जाती थी, बहुत ज़्यादा जानवर निकलते थे। प्लांट ने भी अपने आप को बदला, और उसमें एंजियोस्पर्म्स आए, फूल आए, फूल में बीज आए, और वो हवा के माध्यम से, पॉलिनेशन के माध्यम से अपने आप को दूर दूर तक फैलाए, और उनकी स्पीसीज भी बहुत ज़्यादा फैली। किस युग में? जुरासिक युग में। इसके बाद जो आया वो हमारा आया क्रिटेशियस महाकल्प आया, जो 144 से 65, फिर से बता दूं, मीसोजोइक का सबसे पहले ट्रियासिक, उसके बाद आपका जुरासिक, और अब आपका क्रिटेशियस युग आया है। और क्रिटेशियस युग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेरामाइट और जनी है, जो रॉकी और एंडीज जैसे पर्वत का निर्माण कर रहे थे। कहां कर रहे थे? उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग पे, है ना, हमने देखा था आपस में मूवमेंट हो रहा था, आ रहे थे पास में। पेनिनसुलर इंडिया का भी निर्माण इसी में हुआ। पेनिनसुलर इंडिया का नीचे वाला साउथ वाला पार्ट, ये पार्ट आपका पेनिनसुलर इंडिया, और यहीं पे आपका जो ये डेक्कन ट्रैप फैला है, ये जो डेक्कन ट्रैप है, छोटा नागपुर पठार और ये सब, ये आपका इसी समय आया। और काली मृदा भी इसी युग की है। किस युग की है? क्रिटेशियस युग की है। इस समय मछलियाँ बनी, मरी, प्लैंकटन्स मरे, वो फॉसिल्स बने, वो जाके ऑयल बने, जो आज आपकी जिससे गाड़ी चलती है, पेट्रोल डीजल, ये सब किसकी देन है? इस क्रिटेशियस युग के डेड फिश और प्लैंकटन्स की, फाइटोप्लैंकटन्स की देन है। लेकिन एक बात आप समझिएगा, इस युग में जो आपके कौन डायनासोर थे, ये बहुत ही विकराल हो गए, ये इतने खूंखार हो गए, इतने बड़े हो गए, एक तो इनके साइज बहुत बड़े। वेजिटेरियन शुरू में आए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, एकदम किलिंग मशीन, एकदम नर भक्षी नहीं बोलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं कि जानवरों को मार के ही खाने वाले, एक दूसरे का शिकार करने वाले, और बहुत ही ज़्यादा खूंखार, बहुत ही बड़े बड़े साइज के डायनासोर एक से एक आते गए, जिनके 20-20 फीट लंबी की केवल क्या होती थी? दांत होते थे उनके, जो फॉसिल्स में मिले हैं, जो आपके आंकड़े बताते हैं। तो बहुत ही खूंखार था, और इतने, वो इतने डोमिनेंट थे, वो पृथ्वी पे इतने ताकतवर थे कि शायद उस समय, अगर हम जुरासिक की बात करें, तो जुरासिक युग में शायद डायनासोर से ज़्यादा कोई भी ताकतवर नहीं था। इतने ताकतवर थे कि उनसे ना तो कोई छोटे प्राणी बचते थे, ना कोई बड़े प्राणी बचते थे। कुछ डायनासोर जो कहीं ऐसे समुद्र में भी मिल पाए जाते थे, उन्होंने तो बहुत सारे समुद्रों की स्पीसीज भी खत्म कर दी, इतने डोमिनेंट कर दी थे कि अगर वो, अगर मान के चले 50 मिलियन 60 मिलियन और रह जाते, तो पृथ्वी पे केवल और केवल ऐसा होता कि डायनासोर ही पाए जाते, बाकी कोई प्रजाति पाई ही ना जाती। लेकिन विधि का विधान है, कुदरत का नियम है कि कोई भी इतना ताकतवर नहीं हो सकता है कि
वो सब कुछ खत्म कर दे। पृथ्वी पे तो कोई ऐसी ताकत नहीं थी कि आपके उस डायनासोर को खत्म कर दे, लेकिन प्रकृति उससे ज्यादा ताकतवर थी। उसने इसका अंत करना ज्यादा ठीक समझा और उसी समय एस्टेरॉइड्स, एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड का बम्बार्डमेंट हुआ और वो आके पृथ्वी से फिर से टकराई। किस युग की बात कर रहे हैं हम? क्रिटेशियस कल्प की बात कर रहे हैं, महाकल्प की बात कर रहे हैं। क्रिटेशियस है ना, महाकल्प आपका मीसोजोइक, ये गलत लिखा है, महाकल्प ये नहीं होगा, एरा होगा, पीरियड होगा, है ना, ये इपक है। तो आपका इस समय क्रिटेशियस युग में एस्टेरॉयड आया और इससे इम्पैक्ट क्या हुआ आप समझिएगा, पृथ्वी से करीबन बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आने वाला एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा, जो शायद पता नहीं कितने राज्यों के बराबर रहा हो, इतना बड़ा लैंड मास आके पृथ्वी से टकराया और इसके टकराने से ये भी तो टूट के चकनाचूर हुआ ही और फिर से जैसे मून की उत्पत्ति हुई थी कुछ वैसा मंजर फिर से बन गया। इतने धूल उठे, इतना तेज स्टॉर्म उठा, इतनी तेजी से तूफान उठा कि ये पूरा का पूरा धुंध, पूरा का पूरा एक बादल सा छा गया, पूरा घना वो छा गया। इससे हुआ क्या? हुआ है कि आपके रेडिएशंस रुक गए। रेडिएशंस रुकने के कारण अब दो चीजें पॉसिबल हैं। देखिए एस्टेरॉइड्स है, एस्टेरॉइड आने के कारण फिर से पूरा का पूरा धुंध छका लिया और जिसके कारण से पृथ्वी की ऊष्मा फिर से बढ़ गई, पृथ्वी की ऊष्मा ज्यादा बढ़ गई और इसके चलते ही ये डायनासोर्स जो थे इन्हें भी अल्टीमेटली मरना पड़ा। डायनासोर्स को भी अल्टीमेटली इस ऊष्मा को, इस रेडिएशंस को वो झेल नहीं पाए और अल्टीमेटली ये भी एक्सटेंट हो गए। तो ये जो एरा रहा आपका क्रिटेशियस, ये एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स भी जाना जाता है। कुछ किताबें बोलती हैं, कुछ जगह आपको लिखा मिलेगा कि एस्टेरॉयड हुआ तो पूरा धुंध छा गया तो सूर्य की रोशनी नहीं आई, और सूर्य की रोशनी नहीं आई तो क्या हुआ कि ठंडी हो गई और हिमयुग आ गया। ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है भाई। अगर सूर्य की ही रोशनी से वहां पे हीट था, क्योंकि अर्थ के इंटरनल हीट भी थी और वोल्केनोज उस समय फट रहे थे, ज्वालामुखी फट रही थी, जिसके कारण से ऊष्मा निकल रही थी और वो ऊष्मा ट्रैप हो गई थी, तो पूरा का पृथ्वी हमारा गर्म हो गया था और फिर से 1500 डिग्री फारेनहाइट तक ये टेम्परेचर लगभग पहुंचने के एकदम कगार पे था, जिसके कारण से हमारे डायनासोर सारे के सारे यहाँ पे खत्म हो गए। चलिए इसके बाद आते हैं जो हमारा महाकल्प है, वो सीनोजोइक महाकल्प है। अब ज्यादा कुछ पचा नहीं है बताने को, तो हम थोड़ा जल्दी से चलेंगे, मेजर हमने देख लिया है। सीनोजोइक यानी कि नवजीवी महाकल्प भी जिसे बोलते हैं, जो आज का युग जिसे बोल सकते हैं, आज से कब से 65 से 57 मिलियन ईयर एगो की बात करें, है ना, इस समय यही युग था जब आपका हिमालय पर्वत बन रहा था, यानी कि हिमालयन ओरिजिनी हो रही थी। फोल्डेड माउंटेन में आल्प्स के साथ साथ हिमालय, रॉकी, एंडीज आदि अपनी चरम ऊंचाइयों तक यहाँ पे पहुंचे थे और बहुत सारे नए न्यू फोल्डेड माउंटेन्स की उत्पत्ति हुई थी। यही एक समय था, क्योंकि अब आपके डायनासोर्स गए हैं, है ना, आपके अगर डायनासोर्स मरे हैं, डायनासोर्स भी मेरा कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया डायनासोर्स अगर आपके मरे हैं तो अब नए उत्पत्ति आए और इस समय जो काल आया वो रैट्स की बल्ले बल्ले हो गई, चूहों की बल्ले बल्ले हो गई और इनकी उत्पत्ति सबसे ज्यादा हुए। और इसी युग में फिर मैमल्स की उत्पत्ति हुई। किस युग में हुए? इसमें नवजीवी के पैलियोसीन में, पैलियोसीन काल में ही आपके रैट्स और माइस वगैरह आए थे, मैमल्स आए थे। इसके बाद जो हमारा आया वो क्या आया? ईओसीन आया। इसमें भी 5 आपके कल्प हैं जो आप इंपॉर्टेंट होकर पढ़ेंगे, तो हम ध्यान में रखते चलेंगे। पहला कौन सा है? पैलियोसीन है। दूसरा कौन सा है? ईओसीन है। इसमें एक एडापीडिया नाम का, जो आप ये देख पा रहे होंगे, एडापीडिया नाम का एक जानवर बोल सकते हैं, इससे इसकी उत्पत्ति हुई। और ये एक ऐसा जानवर था जो, जिसके मरने के बाद जो फॉसिल्स आज हमें मिले हैं, तो आज भी जो साइंटिस्ट हैं, जो भूगोलवेत्ता हैं, जो हमारे ज्योग्राफर हैं, जियोलॉजिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं वो इससे बताए हैं कि हमारे जो ह्यूमन्स हैं उनके एंसेस्टर वन ऑफ द एंसेस्टर्स में हो सकते हैं। मतलब यहाँ से ये आपको बंदर जैसा दिख रहा होगा, लेकिन बंदर जैसा नहीं था, एकदम अलग सा था। तो ये हमारे ह्यूमन के, जो ह्यूमन एरा आया उसके एप के भी जो एंसेस्टर बोले जा सकते हैं, वो हमारे कौन से थे? एडापीडिया थे। इसी में हाथी आई, इसी में गैंडा आए, इसी में घोड़ा आए और इसी में आपके बंदर आए।
तो आपका पैलियोसीन के बाद में ईओसीन, सबसे पहले कौन सा है? पैलियोसीन है, इसके बाद कौन सा है? ईओसीन है, है ना, इसके बाद ईओसीन है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमारा ओलिगोसीन आया, ओलिगोसीन में अल्पाइन, अल्पाइन ओरिजिनी हुई, अल्पाइन ओरिजिनी को आप यहां से अच्छे से देख सकते हो, ये जो पूरा बेल्ट हुआ, काकेशस पर्वत का निर्माण, माउंट कैलस पर्वत का निर्माण, हिंदुकुश का निर्माण, तिरिचमीर का निर्माण, इन सब जो पर्वतों का निर्माण हुआ ये अल्पाइन कहीं कहलाया और ये हिमालय एज के नाम से भी जाना गया। कौन सा? ओलिगोसीन हिमालय एज के नाम से जाना गया। और इसी में एप यानी कि जो पूंछहीन बंदर थे वो इन्हीं में विकसित हुए, किस में? ओलिगोसीन में हुए हैं। बात समझ में आ गई? ईओसीन में एप के भी एंसेस्टर है ना, हमने देखा, और उससे पहले भी हमारा पैलियोसीन में आप देख रहे हो। तो देखो इसमें क्या क्या हमने देखा, पैलियोसीन देखा, पैलियोसीन के बाद क्या देखा हमने, ईओसीन देखा है ना, ईओसीन के बाद ओलिगोसीन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, हाँ, पैलियोसीन, ईओसीन और ओलिगोसीन। अब देखते हैं यहाँ पे मियोसीन आया, मियोसीन के बाद क्या हुआ, 25 मिलियन ईयर एगो से 5 मिलियन ईयर एगो की बात करें, इसमें मिडिल और लेसर हिमालय का निर्माण हुआ, जो मध्य और लघु हिमालय हुआ इसी में सार की उत्पत्ति हुई, हंस की सीढ़ी में उत्पत्ति हुई और पेंगुइन की भी उत्पत्ति इसी में हुई, जो आपका मायोसीन युग है। ये सब सीनोजोइक एरा के हैं। और फिर हमारा लास्ट में प्लियोसीन आया, जो प्लियोसीन हमारे इसमें यूरोप, मेसोपोटामिया, नॉर्थ इंडिया, सिंधु, इन सब में मैदान की उत्पत्ति हुई। कब? 5 मिलियन से 2 मिलियन वर्ष की बात करें, बहुत नजदीक आ गए हैं हम आज के युग के। और इसी समय अब आप समझ सकते हैं कि इतिहास यहीं से शुरुआत होता है, यहीं से मेसोपोटामिया की हमारी जो सभ्यता हुई, हमारी सिंधु की घाटी सभ्यता हुई, हमारी जॉर्डन की जो सभ्यता हुई, ये सारी सभ्यता कहाँ पे? इसी काल में, इसके बाद, क्योंकि 5 से 2 मैदान बन जाते, 2 मिलियन के बाद, ये भी बताऊंगा कि कैसे सभ्यताएं स्टार्ट हुई, हालांकि हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। और यहीं पे एक्सटिंक्शन ऑफ सार्क हुआ, इस एज को ध्यान से रख दे, प्लायोसीन को क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन ऑफ सार्क बोलते हैं। और यहीं पे एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन सबसे पहले आए और टेथिस सागर का फिर निर्माण घुसन नदियों के द्वारा यहां पे इस समय निर्माण हो रहा था, प्लेट्स मूव कर रही थी। आते हैं नियोजोइक यानी कि सबसे लास्ट में आते हैं, हाँ सेनोजोइक था यहां पे, ये नवजीवी लिखा है, नवजीवी नहीं होगा, नियोजोइक अलग है, जिसे अलग मानते हैं, हालांकि ये भी सेनोजोइक ही मानते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट, लेकिन कुछ किताबें नियोजोइक मानती हैं, हम नियोजोइक से ही पढ़ेंगे। नियोजोइक में क्या है, प्लीस्टोसीनिक काल, प्लीस्टोसीन मतलब 2 मिलियन वर्ष पूर्व से आज के 10,000 मिलियन पूर्व तक, इसमें झीलों का निर्माण सबसे ज्यादा हुआ और ये सबसे ज्यादा युग था, ऐसा युग था जिसमें हिमयुग पाए गए, हिमयुग पाए गए, ग्लेशिएशन हुआ, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। चार जो हमारे कौन कौन से, गुंज, मिंडल, वूम्स जो थे और हमारे रिस थे, गुंज, मिंडल, रिस, वूम, ये कहाँ पे, यूरोप में इस समय हो रहे थे। ऐसा हुआ था कि आप समझिए ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी पे आप छोटी सी स्टोरी समझिए कि ये एक ऐसा काल था जब हमारे मैदान बन गए थे, मैदान बनने के बाद से जब एप से हमारे जो ह्यूमन होमो सेपियंस बनना शुरू होते, अभी तो होमो सेपियंस सेपियंस चल रहा है ना, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस की बात हुई थी, तब वो पेड़ पे रहते थे, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि जो आपके वहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह थे, जो बड़े बड़े पौधे थे, क्लाइमेट चेंज के कारण वो सारे के सारे सूख गए, और सारे के सूख गए तो एकदम जो हरी भरी प्रकृति थी वो सवाना में बदल गई, और सवाना में बदल के कारण वो जो हमारे एंसेस्टर थे वो पेड़ों को छोड़ के जमीनों में उतरे खाने की तलाश में और दूर दूर तक गए, और यही सबसे ज्यादा माइग्रेशन का भी एज था। कौन सा एज था? प्लीस्टोसीन युग ही था, उस समय ही सब कुछ ही हो रहा था, है ना, उस समय ही माइग्रेशन का एज था खाने के चक्कर में। और इस समय एक चीज और हुआ था, हिमयुग हुआ, तो हिमयुग होने के कारण से यहाँ पे आप समझिएगा, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, और अफ्रीका में जो हमारे पूर्वज थे वो मूव करना शुरू किए, और जब वो उधर को मूव कर रहे थे तो नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से दोनों तरफ से हिम की चादर भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी बीच में, यही हिमयुग कहलाया, हिम का चादर बढ़ना। क्यों होता है ये सब हम कुछ पढ़ेंगे, ग्लेशिएशन में पढ़ेंगे, है ना, क्यों हिमयुग आता है, और चार जो मेन हिमयुग आए कौन सा, गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म, इसी में आया। अब इसके बनने से इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो पानी थे, समुद्र के पानी थे, वो
किसके फॉर्म में, बर्फ के फॉर्म में जमा हो गए, तो समुद्र का लेवल कम हो गया, ज्यादा जमीनें मिल गई और ऐसा समय आया कि अफ्रीका और एशिया के बीच में बहुत छोटा सा गैप रह गया केवल, जिसके कारण से हमारे पूर्वज यूरोप में, है ना, यूरोप में आए, एशिया में आए और फिर ऐसे ऐसे करके ही अमेरिका में भी मूव किए। तो ये माइग्रेशन का एज था। इसी समय सभ्यताएं डेवलप हो रही थी, किसमें हो रही थी, प्लीस्टोसिन से 10 से 12 हजार साल पहले देखेंगे तो अभी की सारी सभ्यता होती हैं। तो 40 हजार साल पहले 4 हमारे ह्यूमन युग आए, 20 हजार साल पहले ब्रिज साइबेरियन और अलास्का, वही बताया कि समुद्र आपका सूख गया तो एक ब्रिज बन गया उनके मूव करने का, और इसी के बीच में अंतर हिम काल आया। ऐसे समझिए कि सबसे पहले क्या आया, गुंज आया, गुंज में क्या हुआ, गुंज काल में आपका हिमयुग आया, इसके बीच में एक ऐसा युग आया कि ये बर्फ पिघली, फिर आपका क्या आया, फिर मिंडल आया, फिर मिंडल के बाद आपकी एक ऐसे ही है कि फिर बर्फ पिघली, मतलब बर्फ की चादर चढ़ रही थी उतर रही थी, चढ़ रही थी उतर रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था। फिर आपका यहाँ पे रिस आया और रिस के बाद फिर आपका ऐसे ही वर्म आया। तो ये जो 4 आपके ह्यूमन आए ये आपके इसी में आए, और ये आपका उत्तरी अमेरिका में भी नेब्रास्कन, कंसान, इल्यूनिन या आयोवा और विस्कॉन्सिन के नाम से जाना जाता है। ये ह्यूमन हम आगे चल के अच्छे से पढ़ेंगे। और इसी युग में हमारे पूर्वज होमो सेपियंस आए, जिसके बाद से हम होमो सेपियंस सेपियंस की उत्पत्ति हुई। आज का ये युग है 0 से 10 हजार साल पहले, जिसकी ज्योग्राफी नहीं ज्यादा हमें इतिहास पढ़ना है, जो आपको आशीष सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। मॉडर्न मैन इसी युग के हैं, मॉडर्न लैंडफॉर्म सब इसी युग के हैं, हमारे सारे कॉन्टिनेंट अभी इस्टेब्लिश यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे यही युग के हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरेशिया, यूरोप, सब कुछ, ऑस्ट्रेलिया जो अपने सही जगह पे आज आपको दिखते हैं, जो वर्ल्ड मैप में दिखते हैं वो यहाँ पे है। तो एक बार हम जल्दी से इसे देख लेते हैं, ये हमारी टेबल है। हमने जो मेन देखा प्री कैम्बियन, इसे अलग से प्राइमरी, प्राइमरी में आपके कौन से परमियन युग के नीचे नीचे, है ना, परमियन युग के नीचे नीचे इसमें कौन कौन सा है, मैं शॉर्ट करके आपको बता देता हूँ, ओरली आप ध्यान देने की ज्यादा कोशिश करो। इसमें कौन से है, पैलियोजाइक या प्राइमरी में कौन कौन से है, परमियन है, कार्बोनिफेरस है, डिवोनियन है, सिलूरियन है, ऑर्डोविशियन है और कैम्ब्रियन है, ठीक। इसके बाद मेसोजोइक या मिडिल वाले में कौन से 3 है, क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रियासिक, और हमारे सीनोजोइक में है उसमें क्वार्टरनरी और टर्शियरी दोनों अलग अलग करते हैं। कुछ लोग नियोजोइक में क्वार्टरनरी करते हैं और सीनोजोइक में टर्शियरी करते हैं, कुछ किताबें ऐसा बोलती हैं। इपक की बात करें, पीरियड से छोटा इपक हुआ, तो इसमें मिला के होलोसीन, प्लिस्टोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, ईओसीन और पैलियोसीन, ये हमारे इसमें मेनली जो आए, हेलोसीन और प्लिस्टोसीन जो आपका क्वार्टरनरी का बोला जाएगा, हेलोसीन में हम लोग हैं, प्लिस्टोसीन में हमारे जो पूर्वज थे, एप वगैरह जो है उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, ये आपका पूरा गैप दिया हुआ है। वोल्केनिक इरप्शन मेनली, जैसे अभी आज भी जो एक्टिव वोल्केनिक इरप्शन है ना, एक्टिव अभी आइसलैंड में अभी भी वोल्केनो इरप्ट हो रहे हैं, कोलंबिया वगैरह में हुए, कब हुए, मियोसिन काल में कोलंबिया में वोल्केनिक इरप्शन हुए, ईओसीन काल में डेक्कन जो हमारे भारत में पेनिनसुला में बना, साइबेरियन किस में हुए, जुरासिक काल में हुए, और ऐसे ही हमारे लेक सुपीरियर जो बने वो प्रोटोजोइक में बने। कोल जो मेन बने वो देख लें, मियोसिन में ही कोल का सबसे ज्यादा निर्माण हुआ, क्रिटेशियस में हमने देखा कि एक बार फिर से सारे पेड़ वगैरह दब गए तो वहां पे कोल का निर्माण हुआ, और कार्बोनिफेरस में तो हमने देखा ही कार्बन से ही रिलेटेड कोल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशिएशन का क्या इफेक्ट पड़ा, तो अभी तो सब ग्लोबल वार्मिंग ही चल रहा है ना, अभी ग्लेशिएशन नहीं, अभी ग्लेशियराइजेशन हो रहा है, हम जान के उसे पिघला रहे हैं। खैर, उसके बाद किसमें, प्लीस्टोसीन में ही हमारे जो 4 मेन हिमयुग देखा गया। सबसे बड़ा जो हिमयुग था वो हमारा 650 मिलियन ईयर को, जो कि हमें किताबों में नहीं मिलता है, उससे पहले था, बाकी तो हमारा कार्बोनिफेरस में तो ग्लेशिएशन हुआ ही था, जब हमारे फिर से कौन मरे थे, हमारे रेप्टाइल्स मरे थे, उस बात की बात कर रहे हैं। ओरोजेनी में अल्पाइन जो हमारा कौन सा है, हिमालय वगैरह का, वेरिसगन यानी हमारा यूरोप का, आर्मेनियन किस युग में हुआ ये भी आप देखते चलो, कार्बोनिफेरस युग में आर्मेनिया जो आपकी लड़ाई चल रही है अभी, आपका एशिया और अफ्रीका के बीच में, यूरोप और उसके बीच में जो रीजन है डेड सी के पास, कैलिडोनियन भी किस में हुआ, सिलूरियन युग में हुआ, ये आपके लाइव पार्ट है जो आपको बता दिया। तो ये मेनली आपका बेसिक, इतना आपको आज की जो क्लास है वो आपका जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ को हमने अच्छे से कवर कर लिया है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ।
तो अभी बस इतना समझिएगा कि हमने ये अर्थ कहाँ पढ़ा है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट था, बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट था। मैं तो सोचा था कि आपको कम में निपटा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा मुझे ले जाना पड़ा, एक घंटा डेढ़ घंटा, मैं सोचा था सवा घंटा का, लगभग पौने दो घंटे की क्लास हो गई होगी, दो घंटे की क्लास। लेकिन कोई नहीं, आप इसे बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा, और इस पे नोट्स मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। जो बच्चे अभी भी चाह रहे हैं, क्लास एक तो बहुत अच्छी लगी होगी, तो मैं जानता हूँ कि अच्छी तो लगी होगी, ऐसी बात है, और अगर बहुत अच्छी लगी होगी तो एक बार आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना। प्लस अगर आप अभी भी इनरोल्ड होना चाहते हैं फाउंडेशन बैच में, तो पूरी सीटें खुली हुई हैं, अभी रजिस्ट्रेशन चालू है, देर ना करिए, बहुत ही कम समय है, उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बंद कर दिया जाएगा, फिर आप इसमें सीटें नहीं अवेल कर पाओगे। चीजें बहुत ही बेसिक से, बहुत ही सॉलिड वे में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, हर माध्यम से, वो चाहे आंसर राइटिंग का प्रोग्राम हो, वो चाहे टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम हो, वो चाहे आपके वीडियो लेक्चर्स हो, वो चाहे आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, वो चाहे आपके लाइव लेक्चर्स हो, या एक अलग से स्पेशल क्लास हो, सब कुछ आपको A1 क्वालिटी की देने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो चलिए, इसी के साथ हम अगले क्लास में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।